तो फ्रेंड्स, आज का नमस्ते डॉक्टर का सेशन हम यहाँ शुरू करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुधा नाहर है। डॉक्टर सुधा नाहर इज गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यू जर्सी एंड शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। डॉक्टर नाहर हैज बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ एसोसिएशंस। She has attended our previous sessions and probably actually the first session we had it on Namaste Doctor. Dr. Nair was the first one. So to start the session, and she has been working for the Indian community for all the social anything to work with India anytime. And Dr. Nair, we welcome you here. And with this, we start the session of Namaste Doctor. We would like to thank Ashok Ji Srivastava for giving this opportunity. पहले हम लोग 35 days we had day to day session. अब हम लोग weekly session पे आ गए हैं। तो weekly session में it's seems like we are missing something in life. But one thing is we like to thank God that अब इंडिया में COVID से लोग recover हो चुके है, काफी है, एक ट्रेजिक सिचुएशन थी जहां पे लग हर आदमी पैनिक था, उससे वो बाहर निकल चुके हैं। नाउ वी कैन थिंक ऑफ अदर थिंग्स। तो आज हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो डॉक्टर सुधा नाहर हु विल बी वर्किंग विद यू, एंड वी विल लाइक टू इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स, जिसको भी आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको ये लिंक भेज सकते हैं, एंड आई प्लीज रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन सो दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर सुधा नाहर हु कैन बी यू नो वर्क हेल्पिंग यू एंड गाइडिंग यू। एंड ऑल्सो वी लाइक टू से दैट दिस प्रोग्राम जो है इसमें डॉक्टर्स इन अमेरिका are there for consultancy guidance, and we don't accept any liability or anything, not for the anybody linked with this show. So jo bhi aap sun rahe hain uske aage aap apne local doctors, local physicians ko aap consult kariye. We do not hold any liability for anything. This is basically for your guidance, or with this we start the session for today. So Dr. Sudhan, we welcome you, and please namaste doctor, we start the session now. Namaste Deepak ji, thank you very much for the opportunity, and Ashok ji ko bhi bahut bahut hardik dhanyawad tahe dil se itna noble work chalu karne ke liye aur humko is cheez ka part banane ke liye. And I was joking ki Deepak bhaiya, maine aapko borni batta acha chalu kiya hai, jab se shuru kiya hai tab se अपना धंधा अच्छा चल रहा है. इवन दो वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी, बट इट्स यू नो मैनकाइंड एंड इन दिस टफ टाइम टू डू समथिंग, इट्स अ प्लेजर. एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और थोड़ा सा चेंज है. हमेशा है ना, लोग थोड़ा मुझे कंफ्यूज करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट. ओह आई एम सॉरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है पर क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का नाम ज्ञान है और मेरी कंपनी का नाम ज्ञान गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, तो लोग मुझे हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट समझते हैं, पर दीस आर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टू डिफरेंट होल्स. सो माय स्पेशलिटी इज मोर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, विच इज पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं, फ्रॉम माउथ ऑल द वे टू द एग्जिट एनल कैनाल इज माय स्पेशलिटी. एंड इट विल बी माय ऑनर एंड प्लेजर कि आपको अगर कोई भी है क्वेश्चन, कोई भी तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, इट विल बी मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी. We had वेरी गुड सेशंस लास्ट टाइम्स आल्सो. तो हमारे साथ आई लाइक टू आल्सो थैंक जो फ्यू एक्टिविस्ट हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं, हितेश कुमार, साहिल शर्मा, प्रियंका, आई कैन सी द नेम्स, एंड ये लोग काफी एक्टिव रहे, लोगों ने काफी वर्किंग की है मीडिया में. तो लाइक टू थैंक यू फॉर, एंड इनफैक्ट इट वॉज वेरी नाइस कन्वर्सेशंस प्रीवियस सेशंस में, एंड सिंस वी डोंट स्पीक दैट ऑफन, बट इट्स लाइक मिसिंग समथिंग इन लाइफ.
हितेश, आप लोग अपने फ्रेंड्स को, आई थिंक वी हैव 20 कॉलर्स, बट वी लाइक टू हैव मोर पीपल, सो इफ यू वांट टू ऐड मोर पीपल एनीबॉडी प्लीज डू दैट. सो विल स्टार्ट विद वन मोर वन बाय वन. सो एनीबॉडी, शिवम, शिवम शिंदे. यस सर. नमस्कार सर. नमस्ते. सर, मैं शिवम शिंदे खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ. सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए था इस फील्ड के लिए. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरी मदर जो है वो पिछले 15 दिनों से, मतलब उनके पसलियों में दर्द हो रहा था आगे और पीछे साइड, तो वो जो दर्द था उसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मस्कुलर पेन की दवाइयाँ हमें दी थी. वो 15 दिन की मेडिसिन लेने के बाद जो पेन था वो तो बंद हो गया था, लेकिन फिर 20-25 दिन बाद वापस से वो पेन चालू हो गया. फिर हम उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार सोनोग्राफी कराइए और सिटी स्कैन कराइए, तो उसमें ये पता चला है सर कि गाल ब्लेडर में कैंसर है. अब वो जो गाल ब्लेडर का कैंसर है वो स्टेज 4 में पहुंच चुका है, विदिन मतलब 1 महीने के अंतराल के अंदर ही वो स्टेज 4 में चला गया है. और इसके लिए हम लोगों ने एक भोपाल में हॉस्पिटल है, बंसल हॉस्पिटल, उसमें हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है. तो उनका कहना ऐसा है कि मतलब 4th स्टेज में कैंसर क्यूरेबल नहीं होता, सिर्फ कंट्रोलेबल होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट्स मतलब पेशेंट में है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है. तो बस इसीलिए मुझे गाइडेंस चाहिए कि हम लोग और क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे हम लोग इस डिजीज को मतलब कुछ हद तक क्योर कर सकें और पेशेंट को मतलब हम स्टेबल कंडीशन में ला सकें. तो शिवम जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 1, उसके मैं आंसर करूं उसके पहले मुझे ये बताइए कि उम्र कितनी है उनकी. मैम 52 इयर्स. 52. एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक पहले से? नो मैम, कुछ भी नहीं है. ओके. तो इसमें क्या होता है शिवम जी, जब एक बार है ना कैंसर 4th स्टेज पे पहुंच जाता है ना, तो उसका मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर के जो सराउंडिंग एरिया है वो सराउंडिंग एरिया में आपके फैल चुका है, और लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड से ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुंच जाता है. तो जो भोपाल वाले डॉक्टर बोल रहे हैं वो काफी हद तक सही है. ये टाइम पे यू नो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर डॉक्टर भगवान नहीं है. जो चीजें पहले से जो डेस्टिनी में लिखी हुई है उसको कोई बदल नहीं सकता. तो मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट कि जो अगर भोपाल वाले डॉक्टर ने बोला है तो वो मेरे हिसाब से सही है, और उनके हिसाब उनके जो है जो भी वो गाइड कर रहे हैं, आई थिंक उनको ट्रस्ट करना और उनके अनुसार चलना और भगवान से प्रेयर करना. मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और ये गॉल ब्लैडर कैंसर के काफी केसेस देखे हुए हैं. एंड जब भी मरीज को इस तरह का होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको कि देखो हम सभी लोग हैं ना इस दुनिया में रिटर्न टिकट लेके आए हैं, खाली हमको टाइम का पता नहीं है, डेट का पता नहीं है, वो पहले से प्री डिसाइडेड है. तो कुछ सिचुएशन में आपको ये मान के चलना चाहिए कि अगर जो उनका जाने का टाइम आ गया है, नोबडी कैन चेंज इट, सो ऑल यू कैन डू इज फ्रॉम टुडे till that day comes, which is month, year, 5 years, nobody knows. Okay. क्योंकि वो young हैं, क्योंकि उनके पास कोई other medical problems नहीं है, तो कभी कभी जैसे ये chemotherapy है, radiation therapy है, sandwich therapy माने कि पहले chemo radiation देते हैं, फिर gallbladder का surgery करते हैं, फिर वापस chemo radiation करते हैं, तो उनसे वो एकदम से अगर असर हो गया तो years में रह सकते हैं. अगर मान लो वो काम नहीं किया या उनके बहुत साइड इफेक्ट हो गए तो मे नॉट बी फॉर इयर्स, राइट? सो वी जस्ट हैव टू काइंड ऑफ प्रे, कीप द गुड इम्यूनिटी सिस्टम, कीप द पॉजिटिविटी, एंड थिंक लाइक दैट कि भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है. देखो कई लोग कोविड में ऐसे रातों रात चले गए, वीक में चले गए, राइट? अभी आपको एटलीस्ट गॉल ब्लैडर कैंसर का डायग्नोसिस देके आपको दिया है थोड़ा सा टाइम कि उनकी कोई भी अंतिम इच्छा हो, कोई भी उनके लिए करना हो तो वो करने की कोशिश करिए, एंड कीप हर हैप्पी एज मच एज पॉसिबल. जी मैम,
जी मैम, थैंक यू सो मच मैम आपके गाइडेंस के लिए। मैम एक मेरा जनरल क्वेश्चन ये है कि जो मतलब एलोपैथी का जो मेडिसिन चल रहा है, क्या उसके साथ में हम लोग आयुर्वेद के कुछ मेडिसिन भी चला सकते हैं जिससे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके? अमेरिका के हिसाब से आंसर वुड बी नो। आई डोंट नो कि इंडिया में क्या स्टैंडर्ड है, जी एंड मैम आई विल गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक बंदा आया यहाँ पर, इंडिया का ही था, और जी वो है जी ना इंडिया से कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहा था, और जी जी आयुर्वेदिक दवा में वो चूर्ण देते हैं, जी उसके इंग्रेडिएंट हमें बिल्कुल मालूम नहीं थे, एंड बिल्कुल पता लगा कि उस इंग्रेडिएंट, उस चूर्ण में लेड मिला जी हुआ था। तो उस ओके बंदे को रादर देन हैविंग फायदा फ्रॉम आयुर्वेदिक दवा, वो लेड टॉक्सिसिटी हो गई, और लेड टॉक्सिसिटी से उसको 15 दिन तक अस्पताल में रखना पड़ा, एंड लेड टॉक्सिसिटी का डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ा। तो अनटिल अनलेस यू नो कि आयुर्वेदिक दवा के चूर्ण में क्या मिला हुआ है, क्या इंग्रेडिएंट है, और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, जी एंड आर दे गोइंग टू इंटरैक्ट विद द एलियोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि यस कभी कभी ड्रग इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम जी आई वुड नॉट। थैंक ओके मैम थैंक यू सो मच मैम आपके गाइडेंस के लिए। बस मैम यही कंफर्म करना था। थैंक यू सो मच। शिवम सॉरी टू हेयर अबाउट दिस बट होपफुली आई डोंट नो, अभी हम लोग खाली प्रे कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर ने बोला कि जी सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो विल ट्राई विल सी कि, और प्लीज फिर भी आप, अगर आपको कोई कंसल्टेशन वगैरह तो डॉक्टर साहब को ईमेल चैट बॉक्स में शेयर करेंगे तो आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, ओके सर, और इफ शी कैन डू एनीथिंग वी विल शुड ट्राई टू डू इट एनी टाइम। जी तो थैंक हाँ आशीष आप बोलिए। हाँ आशीष, आई लाइक टू थैंक द अदर पीपल आल्सो बिकॉज़ आई सी लॉट ऑफ फैमिलियर नेम्स नाउ। आई लाइक टू सेव इट बिकॉज़ आई कैन सी लॉट ऑफ फैमिलियर नेम्स एंड रियली इट हैज बीन नाइस टू सी दोज नेम्स, पवन कुमार शुक्ला, आर के गुप्ता एंड स्वराज जी समय। तो गुड टू सी यू ऑल। हाँ जी बोलिए प्लीज आशीष। हाँ सर, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए। ट्विटर से हमें ये जानकारी मिली तो आज मैं भी जुड़ रहा हूँ, और ये हमारे रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो रही है, और गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली सर, पिछले लास्ट 1 मंथ से मुझे गैस्ट्रिक मतलब पेट फूलना, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह रही है। इसके बाद मैं डॉक्टर से दिखाने गया तो उन्होंने मुझे 2-3 टेस्ट किए, जिसमें सीबीसी किए, थायराइड टेस्ट किया और एसजीपीटी किया। तो एसजीपीटी जो है वो 138 आया, और ब्लड शुगर भी हल्का सा बढ़ा था, 156 रैंडम था। तो उन्होंने कुछ दवाइयां मुझे दी, जिसमें और साथ गैस्ट्रिक के लिए उन्होंने मुझे प्रोबायोटिक्स और यूनि एंजाइम और एक गैस का दवा दी। तो और मुझे क्या करना चाहिए, और क्या मुझे क्या फ्यूचर रिस्क कैसे ख्याल रखना है, तो इसी से रिलेटेड मैं जानना चाहता हूँ मैम से। एसजीपीटी के साथ में एसजीओटी भी बढ़ा हुआ आया कि खाली एसजीपीटी ही बढ़ा है? उन्होंने टेस्ट कराया था वो जो 138 आया, नॉर्मल रेंज क्या रहता है? क्या बोला? एज 25। नहीं, एसजीपीटी का जो नॉर्मल वैल्यू क्या रहता है, क्योंकि ना हर लैब का एसजीपीटी लेवल। उसमें उसमें जो मैंने कराया वो 0-40 तक था, मतलब नॉर्मल रेफरेंस में। गुड 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 गुड। अभी है ना, देखो इंडिया के हिसाब से तो ये पेशेंट प्राइवेसी रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एनी अल्कोहलिक यूज? कभी कभी मतलब मंथ में एक दिन या फिर 2 मंथ 3 मंथ में एक दिन। ओके बट मैंने मैम स्मोकिंग किया है पिछले बहुत दिनों से, मतलब 2 सालों से, लेकिन मैं कोविड आने के बाद 2-3 मंथ से मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, लेकिन गुड गुड उसके पहले बहुत किया था। ओके। सो मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दिस नंबर टू बी हाई इस कपल ऑफ थिंग्स, बट नंबर 1 जो आपकी एज ग्रुप में रहता है वो अल्कोहल यूज रहता है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो रोज पीते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, और कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी पीते हैं फिर भी उनका लिवर उनको पसंद नहीं करता है। तो
तो नंबर वन सजेशन वुड बी गिव अप अल्कोहल 100% कंप्लीटली, जस्ट लाइक यू गिव अप स्मोकिंग. एंड देन 3 महीने बाद, एक बार जब ये अल्कोहल का पूरा नॉट अ सिंगल ड्रॉप इन योर सिस्टम फॉर 3 मंथ्स, उसको वापस से रिपीट करके देखें कि कैसा रहता है. दूसरा रीजन रहता है कि शुगर हाई और कोलेस्ट्रॉल हाई. तो अगर कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं किया हो तो एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए. ट्राइग्लिसराइड मैम बढ़ा रहता है, मेरा 2 बार चेक कराया है उसमें थोड़ा बढ़ा था. ओके, सो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का रीजन भी रहता है अल्कोहल. तो जब आप अल्कोहल को गिव अप करेंगे ना तो आपका शुगर लेवल कम आएगा, ट्राइग्लिसराइड कम आएगा और एसजीपीटी भी डाउन चला जाएगा. उसके अलावा अगर फिर मान लो जैसे ये 3 महीने में ठीक नहीं हुआ, तो फिर है कि सोनोग्राफी कराने का कि अंदर में कोई गॉल ब्लैडर गॉल स्टोन वगैरह तो नहीं है, फैटी लिवर तो नहीं है, कोई और दूसरी तकलीफ तो नहीं है. बिकॉज यू आर यंग सो आई डोंट सस्पेक्ट एनीथिंग. कॉमन थिंग्स आर कॉमन, रेयर थिंग्स आर रेयर. सो फॉर यू अल्कोहल इंड्यूस्ड एलिवेशन ऑफ एसजीपीटी इज वेरी वेरी कॉमन. और अगर शुगर एंड ट्राइग्लिसराइड हाई है तो दैट कुड बी ऑल्सो अनदर रीजन. ओके, और वो दवा जो उन्होंने बोला है बस वही मुझे वो खाते रहना है, और लीफ 52 मैं खा रहा हूँ एक खुद से लेके, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए उसको. या लीफ 52 का ये है कि यहाँ पर जितनी भी रिसर्च हुई है ना, तो उसमें लीफ 52 फायदा करेगा या नहीं करेगा ये हमें ज्यादा नहीं पता, पर ये पता है गारंटीड कि ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ओके, तो अगर कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, पर इससे फायदा होगा या नहीं होगा नहीं मालूम. पर अल्कोहल छोड़ने से 100% मालूम रहेगा, फायदा रहेगा. ओके, और यूडी लीव से तो मैम कोई ज्यादा नुकसान नहीं है ना उसमें? मैं मुझे कुछ लोगों ने बोला कि वो ज्यादा टाइम तक खाना पड़ता है फिर खाने पे, तो मतलब ये बस र्यूमर है. क्या खाना पड़ता है? यूडी लीव मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया जहां मैं दिखाने गया था, तो एक लोगों ने मुझे बोला कि वो बहुत दिन तक फिर खाना पड़ेगा अगर तुम खाओगे तो. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट, इट्स जस्ट अ मिथ. ओके ओके, तो बस यही था. और मतलब कुछ लाइफस्टाइल भी थोड़ा, लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम हो गया तो घर में ज्यादा रहना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, तो मे बी, तो मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि कुछ टिप्स ले लूं लाइफस्टाइल के लिए कि मतलब क्या कुछ क्या खाना चाहिए, क्या फायदेमंद रहेगा, और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल किस तरीके से जीना चाहिए. ऐसा बोलते हैं 20-30 मिनट्स एक्सरसाइज एवरी डे, चाहे वॉकिंग हो, चाहे आप एरोबिक्स हो, चाहे आप स्विमिंग हो, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज 7 डेज अ वीक अगर आप कर सकते हो तो वेरी गुड. इफ यू कैन नॉट, देन एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक यू शुड डू इट. एंड अ लो फैट डाइट, and the low fat means any deep fried kachori, samosa, pakoda, those type of things will should be less. मतलब less मतलब monthly खा सकता हूँ कभी कभी. आपकी choice है. You know, अगर सब चीज छोड़ दोगे तो जीने का फायदा क्या है? So I always tell my patients that no, you should do in moderation. So अभी once a month अगर एक समोसा खाया तो कुछ नहीं है, right? पर एवरी वीक पार्टी कर रहे हैं, मुगल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो नहीं चलेगा. ओके मैम, और अभी मतलब ये ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना, ये मतलब जो 2-3 टाइम्स पढ़ा है, मतलब मुझे अल्ट्रासाउंड या फिर जो आपने बोला सोनोग्राफी के लिए अभी तो जाने की जरूरत नहीं है. आई थिंक नंबर वन आई वुड से कि पहले एक बार वापस से रिपीट करा के देखें. जब सिस्टम में कोई भी अल्कोहल नहीं है और फिर भी अगर बड़ा हुआ है नंबर आता है तो सोनोग्राफी कराने का. ओके, और ये गैस्ट्रिक और ब्लोटिंग उसी की वजह से हो रही है या फिर कुछ और भी हो सकती है प्रॉब्लम? क्योंकि वो दवा खाने से तो कंट्रोल है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का दवा छोड़ देता हूँ तो वो हो जाता है. पानी कितना पीते हैं? पानी मैम तो 7-8 गिलास, 10 गिलास, 2 लीटर से ऊपर पी लेता हूँ. गुड, ओके. सो आई थिंक ये जस्ट जब डाइट में करेंगे ना तो मेरे ख्याल से इम्प्रूव होना चाहिए. और ब्लोटिंग शुड ऑल्सो इम्प्रूव. कभी कभी रहता है कि ये अक्यूट अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस रहता है, तो उससे स्टमक की लाइनिंग थोड़ी इन्फ्लेम्ड होती है, तो जो अभी आपने दवा दी है वो उसको हील करने में हेल्प करेगी. और दूसरा, जब आप टॉक्सिन को हटा देंगे अपने सिस्टम में से, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिन एंड help of medication equals healing. Okay. Okay, ma'am, thank you. Yehi tha hamara curiosity.
थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. ओके आशीष थैंक यू. सो वी हैव आदेश उपाध्याय. जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड. हमारे पास तीन नाम दिख रहे हैं, सिद्धेश्वर, सौरभ. सो विल स्टार्ट विद आदेश. सर नमस्कार. नमस्कार मैम. मेरा नाम आदेश उपाध्याय है और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ. तो मैडम मुझे जो प्रॉब्लम है एक्चुअली जो डॉक्टर को मैंने विजिट किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जीआरडी एसिड रिफ्लक्स करके उन्होंने बताया था. तो ये आपको प्रॉब्लम है. मुझे मैडम क्या होता है ना कि कुछ भी खाता हूँ ना तो उससे लगता है खाने के बाद मेरे गले में दर्द होना लगता है थोड़ी देर के बाद. और दर्द होता है और डकारे मतलब आती नहीं है, जैसे लगता है कि डकार आ रही है आपके गले में स्टक हो जाती है और हमेशा ऐसे करके करना पड़ता है बोलने में या बात करने में. और रात रात कभी रात में 2 या 3 बजे ऐसा सडन घबराहट होती है मुझे, ऐसे हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, हाथ पैर कांपने लगते हैं. तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि ये तुम्हें जीआरडी है और उन्होंने दवा दी मुझे, एक एंजाइटी की भी दवा दी उसके साथ और एक जो नॉर्मल गैस की दवा होती है एसिडिटी की रिकूल डी करके वो कुछ देते हैं मुझे. बट मैडम उसका क्या है ना कि वो खाते वक्त जब तक खा तब तक तो ठीक है और उसके बाद जब बंद कर देता हूँ तो फिर से वही प्रॉब्लम मुझे आने लगती है. और ये प्रॉब्लम है मुझे जनवरी 2019 से चल रही है. मेरी एज जो है अभी 31 ईयर्स ओल्ड. और इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन मैम मिल नहीं रहा मुझे कि कैसे इसको, क्योंकि ये क्या होता है पूरा हेडेक इतना हो जाता है, सर भारी हो जाता है, चलने में सकता भी गिर जाऊंगा, ऐसी खिलाते जब एसिडिटी होती है. और इससे मैम मेरे वर्क पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ. तो जो आप जनवरी 2019 से ये है उसमें कभी किसी ने एंडोस्कोपी करी है? हाँ मैडम मैंने एंडोस्कोपी करवाई, कुछ भी निकला मैंने. मुझे क्या होता है ना जब ये एसिडिटी होती है मेरे हार्ट मतलब सीने में लेफ्ट चेस्ट में पूरा हैवीनेस हो जाता है, मुझे लगा मुझे कुछ हार्ट का बीमारी हो गया. क्या मैंने पूरा 2D को लेकर ट्रेडमिल टेस्ट ECG सब जाँच करवा डाली, कुछ भी नहीं निकला. फाइनली जब डॉक्टर ने बोला तुमको एसिडिटी है, एसिड रिफ्लेक्स है और वो हाइपर हो जाता है और वो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करता है. लेकिन मैम जब हाइपर होता है ना तो 1-2 दिन नहीं, कम से कम 4-5 दिन लगातार रहता है. अभी भी मैं इसमें परेशान हूँ, मतलब मेरा सर इतना भारी लग रहा है. और मैंने चाय पहले बहुत चाय पीता था क्योंकि IT में लोग ज़्यादातर चाय पीते हैं, तो बहुत चाय पीता था लेकिन छोड़ दिया चाय पीना. फिर भी मैडम ये ठीक नहीं हो रहा है. और आई एम सपोज टू गेटिंग मैरिड नवंबर, तो अभी बहुत दिक्कत हो रही है मुझे और ये ठीक नहीं हो पा रहा है. या तो मेरे हिसाब से है ना, जनरली ये जब सिचुएशन ऐसी होती है ना एंडोस्कोपी करके रूल आउट कि कहीं आपको है ना बैक्टीरिया एच पाइलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है, कहीं ग्लूटन या वीट एलर्जी तो नहीं है. कभी कभी वो सीलियक डिजीज करके एक प्रॉब्लम रहता है जिसमें कि आप जब भी चपाती खाते हैं या वीट या आटे का कोई भी चीज लेते हैं तो आपको इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं. अगर वो चीजें रूल आउट हो गई, एंडोस्कोपी हो गई, कार्डियक वर्कअप, ट्रेडमिल वगैरह सब कुछ हो गया, तो देन इट विल बी मोर रिलेटेड टू वी कॉल अटिपिकल रिफ्लक्स सिम्टम्स. जो नॉर्मल रिफ्लक्स सिम्टम्स रहते हैं ना तो उसमें तो आपको जैसे डकारे आना है या जैसे उबाके आना है, ड्राई हीव्स होना है, ये रहते हैं. अटिपिकल सिम्टम्स में रहता है कि चेस्ट पेन जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा है या जैसे एस्मा जैसे आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उसमें क्या रहता है कि कंपोनेंट ऑफ एंजाइटी स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड इन नवंबर. तो इट्स अ हैप्पी न्यूज, एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू बी अ चेंज ऑफ योर होल लाइफ एंड चेंज ऑफ योर होल काइंड ऑफ स्टेटस. सो समटाइम दैट क्रिएट हैप्पी एंजाइटी और हैप्पी स्ट्रेस एंड समटाइम्स यू मे हैव टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट. सो इन माई प्रैक्टिस मैं क्या करती हूँ कि पहले ही जैसे ना कोई भी ऐसा होता है तो GERD, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, माने कि स्टमक गैस्ट्रिक कंटेंट इज रिफ्लक्सिंग बैक इन टू द इसोफेगस, दैट्स कॉल्ड GERD, GERD और रिफ्लक्स, राइट. तो कभी कभी क्या होता है कि वो कंट्रोल करना इज वन एस्पेक्ट, बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल द स्ट्रेस, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल द एंग्जाइटी, anxiety of working in IT, hard working hours, anxiety of getting married, anxiety of COVID, anxiety of family, anxiety of lot of day-to-day activity, right? So sometimes you have to kind of work in multi-task situation. Ki stress management is equally important
than taking the medication or doing thing. जब आप anxiety में रहते हैं, stress में रहते हैं, happy stress, bad stress, किसी भी तरह का stress, right? तो आपको क्या होता है कि hyperventilation, आप realize भी नहीं करते हो, and you are breathing heavy, and when you are breathing heavily, you are swallowing tons of air, and that air has to come out, right? Either you are going to burp, and if you are not able to burp, or you are conscious कि in public आप जोर-जोर से डकारे नहीं मारना चाहते हो, so you are holding that air, and that air is now going into different organ system and giving you headache, back pain, neck pain, all those type of things. So I think along with the medicine, you also need to practice the stress management probably, and see if that helps. Yoga, meditation, something like that, just to kind of be yourself, forget about everything, and then see if that helps. मैम बट ये मेडिसिन जो है ना ये कब तक खानी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी 2019 से ही मैं खा रहा हूँ, तो वो बीच बीच में छोड़ देता हूँ क्योंकि मेडिसिन खाना एक प्रैक्टिस हैबिचुअल नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन वो डॉक्टर मतलब जब भी दिक्कत होती है खाना ही पड़े, इसलिए मैं हमेशा एसिड के जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम मेडिसिन लेके चलता हूँ, तो ये इसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। और अगर योगा भी मैं करता हूँ मैम, डेली 1 आवर योगा मॉर्निंग में, आज से नहीं, मैं 5-6 सालों से कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम तो मतलब उससे लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है। Or, yoga is more kind of like, you know, physical. What you need to practice in yoga is a meditation, right? So there is a site, you can check it out, tm.org, and I have no connection with that, but this is something my patients had told me. They have been coming to me for years, and one of the patients said, doctor, looks like that you were 100% correct, and looks like that my anxiety is the problem, and I did this stress medal meditation course, and after that course I am feeling much better. So you can check it out, equivalent to that, anything something like that probably a good idea. यहाँ पर मैं जो मरीजों को रखती हूँ लॉन्ग टर्म दवा पे, वो उन लोगों को रहता है कि क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए. You don't want to be habituate on the medication, that is one aspect, but these medication, the acidity medication has its their side effect, right? So you want to be concerned about those side effect also, but one hand mein agar aap concerned ho side effect ke, aur dusri taraf agar maan lo aap dawa nahi lete hain, aur roz aapko chest pain ho ke ye dar ke mare हार्ट अटैक हो रहा है और इमरजेंसी रूम में रोज दौड़ना पड़ रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, जबकि हमको मालूम है कि ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव, राइट? तो यू डोंट वांट दैट आल्सो. सो यू वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ, एट द सेम टाइम यू डोंट वांट द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन. सो एंडोस्कोपी फाइंडिंग में क्या निकला, और उस फाइंडिंग में कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको बताती है कि आपको ये दवा लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लेते हो तो यू कैन गो इन टू kind of esophageal cancer, stomach cancer, then it's a different story, right? Other than that, I think you need to just manage multitask. So, ma'am, another question, जब जैसे रात में जब घबराहट होती बहुत ज्यादा, और इतनी घबराहट होती है लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उस टाइम पे what should I do at that moment? क्योंकि मैं अभी बैचलर हूँ, तो अकेले रहता हूँ, तो उसमें इतना ऐसा लगता है कि अभी तो जान गई मेरी, तो मैं नॉर्मली या तो एसिड की दवा खाता हूँ, एसिड या फिर मैं ये इनो लेके, या फिर कोई रेमेडी सोल्यूशन घर वाले बना के चूर्ण देते जो आप वो खा लेता हूँ, बट वो उससे ठीक नहीं होता है. और तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, जब मुझे हाइपर एसिडिटी होती, घबराहट बहुत ज्यादा थी, हाथ पर इतना कांपने लगता है कि अब होगी लाइफ. आई थिंक आप सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछ रहे हो. उसका एक ही तरीका है कि ये जो आपको घबराहट हो रही है, दैट इज कॉल्ड पैनिक अटैक, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी एपिसोड, एंड आपको उसके लिए, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग योगा एंड उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मे बी यू नीड टू मीट अ थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट होता है ना, जैसे कोई बोलता है कि दो ग्लास है, राइट, दोनों में आधी आधी भरी हुई है. एक बंदा बोलेगा कि मम्मी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूसरा बच्चा बोलता है कि मम्मी आपने मेरे को आधा ग्लास क्यों दिया, आधा ग्लास खाली क्यों है. सो इट इज योर नजरिया टू सी कि ग्लास आपका आधा भरा हुआ है या आधा खाली है. और अगर आपका एंजाइटी
हो रहा है, घबराहट हो रहा है और उसका रीजन एंग्जाइटी है. ब्रेन इज ऑल्सो एन ऑर्गन राइट. हम लोग एसिडिटी पे कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि एसिडिटी की वजह से ये सब हो रहा है. पर दूसरा है कि अगर एंग्जाइटी का मेन इश्यू है तो एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट करना जरूरी ज्यादा है कंपेयर टू एसिडिटी का ट्रीटमेंट. क्योंकि अगर एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट करेंगे एंड दैट इज लाइक मोर टॉकिंग, आपको कोई दवा भी नहीं लेनी, किसी थेरेपिस्ट से जाके जो कि न तो आपकी फैमिली को जानता है न किसी और की फैमिली को जानता है, एब्सोल्युटली रैंडम न्यू पर्सन हु इज सर्टिफाइड इन डीलिंग विद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एंग्जाइटी एस्पेक्ट, जस्ट टॉकिंग टू दैट कॉल CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. एंड दैट थेरेपी इज नथिंग, ओनली थिंग इट्स गोइंग टू बी दैट यू आर गोइंग टू लर्न how to appreciate half glass of milk and not looking at the glass as a half empty. Okay. Adish, jaisa doctor saab ne bola hai ki anxiety, I think lot of times you if you divert your attention also, or wo jab aapko panic attack aaye ya anxiety feeling ho, jab aapko lage ki you know you literally written, I think you should divert your attention sometimes and do some yoga or some other things. उससे भी शायद हेल्प मिल सकती है. ये हमने प्रीवियस सेशंस में भी कई बार डॉक्टर से बात की है, उसमें सिमिलर हुआ है, इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, आप अकेले नहीं हो. तो आपको थोड़ा सा अपने आपको माइंड इज ऑल कम्स फ्रॉम माइंड, तो आपको थोड़ा सा अपने आपको डाइवर्ट कर लेना चाहिए और उस मोमेंट्स को आप जैसे कोई एनीथिंग यू डाइवर्ट योर अटेंशन, उस अटेंशन से शायद को आराम मिले और उसको यू नो आपको पीस मिले और ये एंजाइटी से आप दूर हो सके. एंड स्टिल वी हैव डॉक्टर ईमेल, यू कैन शेयर एंड यू नो कांटेक्ट डॉक्टर फॉर एनी फर्दर कम्युनिकेशन. बट हम ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप बाद में सुन सकते हैं nrafederation.com के वेबसाइट पे. तो आई थिंक वी हैव डॉक्टर अशोक कुमार साहा, सिद्धेश्वर, सौरभ गुप्ता, अरविंद सिंह, पवन कुमार शुक्ला, प्रदीप, डॉक्टर शाह, अशोक जी, अशोक कुमार शाह जी. सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए जी. जी मैं डॉक्टर पवन शुक्ला बोल रहा हूँ. 45 पवन जी कैसे हैं? कैसे हैं आप? हमने पहले भी आपसे मिले हैं. जी जी हाँ बढ़िया है, कोविड से तो पूरी तरह ठीक हो गए हैं. लेकिन सर वही कोविड का ही कारण है. मैं तो योग व्यायाम तमाम चीजें स्वयं करता हूँ, शारीरिक रूप से तो अपने आप को नियंत्रित कर ले जाता हूँ. मैं एक शोध PhD जो मेरी है वो PhD है, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन फिजियोलॉजिस्ट नहीं हूँ. तो मुझे केवल एक ही प्रश्न जानना था कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है जब से कोविड हुआ है. जैसे मैं मोबाइल ही रख देता हूँ और मैंने कहाँ रखा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे आप कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम यही हो गई है. इसका इलाज नहीं, मतलब मैं वैसे भी आपको बताऊं कि मुझे जो कोविड से पूरी राहत हुई वो पतंजलि की कोरोनिल किट और योग प्राणायाम से हुआ. एलोपैथ को मैं एकदम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कोई ऐसा मार्ग चाहता हूँ जिससे कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरी हो रही है, छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाता हूँ, कुछ देर बाद याद होता है लेकिन तत्काल भूल जाता हूँ. ये कोविड जब हुआ है 3 अप्रैल के बाद से ही ऐसा हो रहा है. तो मैं चाहूंगा कि कुछ सलाह मिले. आपने कुछ टेस्ट करवाए हैं? आपने किसी को कंसल्ट किया है आपने? नहीं सर, मैं कहीं नहीं गया हूँ. अच्छा. मेरे हिसाब से एज वी ऑल नो कि कोविड इज अ न्यू कीड़ा और कोविड के क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेंगे और क्या नहीं रहेंगे, नोबडी नोज. इट्स स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन. पर अगर जो मान लो आपको लगता है कि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है एंड खाली अपने को कोविड को ब्लेम करके अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करना मे नॉट बी द राइट थिंग. मेरे ख्याल से आपको है ना एक बार चेकअप करा के जस्ट जो जनरल रूटीन बेसिक चेकअप है उसमें अगर जैसे कभी कभी विटामिन का डेफिशिएंसी है, कभी आपका
कोई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कहीं आपका कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा है या वास्कुलाइटिस है, तो वो जो बेसिक चीजें हैं उन सब चीजों को रूल आउट करना ज्यादा जरूरी है। अगर जो आपने बेसिक चीजें हैं वो सभी चीजें रूल आउट हो गई और फिर भी आपको लगता है कि मेमोरी का कुछ है, तो उसके बाद में एमआरआई ऑफ द ब्रेन इज काइंड ऑफ द टेस्ट टू फिगर आउट कि कभी कुछ अंदर में गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से मेमोरी लॉस है, यस पॉसिबल, पर ये इतना कॉमन नहीं है। यहाँ पे जितने मैंने मरीज देखे हैं उनमें थोड़ा कभी रहता है पर वापस धीरे धीरे अपने आप रिकवर हो जाता है, और अभी अप्रैल से जून हो गया है, और अगर आपको अभी तक भी ऐसा लगता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से बेसिक एक बार ब्लड टेस्ट कराना प्रोबेबली इज द लीस्ट थिंग यू शुड कंसिडर एंड देन बेस्ड ऑन दैट डिसाइड। दूसरा है कि घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर मान लो जैसे कोविड से मेमोरी लॉस है या किसी भी चीज से मेमोरी लॉस है, अगर उसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे कि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी जा रही है, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी जा रही है, वो सही नहीं होगा। वो जा रही है या आ रही है वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हमको ये पता करने का है कि वास्तव में ये है भी कि नहीं है। सो आई थिंक प्रोबेबली यू शुड पे अटेंशन कि अभी अपने को घबराना नहीं है, जो भी है हाउ वी आर गोइंग टू डील फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वो चीज ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक प्रोबेबली यू शुड टेक दैट कंसिडरेशन। जी, उसको तो मैडम जी मैं भी कर रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बीएड विभाग बीएड डिपार्टमेंट में हेड के रूप में कार्य करता था, तो मुझे जान लीजिए कि जो 2005 में जिन बच्चों को पढ़ाया था उनका भी अभी तक रोल नंबर से याद है। मैंने कहा ना कि मुझे जो कोविड के पहले ही ऐसी कोई भी संभव नहीं, तो उसके बाद ही हुआ, लेकिन जैसे पुरानी चीजें नहीं रख दिया तो उसके बाद दो मिनट बाद खोजने लगता हूँ कि कहाँ है। कभी कभी तो हाथ में ही सब भी खोजता हूँ, तो एक दो बार जो रोज हो रहा है इसलिए बचा के देखता हूँ कुछ समझ में आए। या आई थिंक मेरे ख्याल से आपको एक बार थोड़ा चेकअप कराना चाहिए, और मेरे सजेशन है कि खाली कोविड के नाम पे इसको ब्लेम करके अपने आप को दुखी करना सही नहीं है। नहीं ठीक है, तो चेकअप में क्या एमआरआई के लिए बोल रही हैं मैडम जी? जो वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो ब्रेन के डॉक्टर हैं, ब्रेन के डॉक्टर को दिखाने का, ताकि उनको रहेगा कि जो बेसिक चीजें हैं ट्रीटेबल कंडीशन है उनके लिए चेकअप करें, और अगर मान लो सारा वर्कअप नेगेटिव है तो ये अपने को कभी कभी अर्ली अल्जाइमर डिजीज भी रहती है तो वो है या कोविड है। जी 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 शुक्ला जी, मुझे लगता है आप अपने आप को कुछ जो आपके कुछ मोमेंट्स हैं उनको वीडियो रिकॉर्ड करके और बाद में आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपको याद रहता है नहीं रहता है, नोट करिए और आप चेक करिए कि अगर वो सब याद रहता है। हम तो यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, कहीं मन का बहम तो नहीं है ना आपका, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ ऐसा आपको मन का बहम, क्योंकि कोविड से लोगों को मन के बहम बहुत हुए हैं। नहीं सर, कई बार उनको ऐसा फील हुआ है कि हमारे को ऐसा हो रहा है, पर एक्चुअली वो बात रियल में नहीं है, एक टाइम पीरियड होता है। नहीं देखते हैं सर, मन का बहम तो नहीं है, कंफर्म है। अच्छा जी, वैसे मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप और अशोक सर हमेशा ऐसे सोशल वर्क में लगे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि सर आप उनके जीवन को सुखी सफल और ओजस्वी बनाए, ऐसे ही आप लोग दूसरों के दुख दर्द को निवारित करते रहे। धन्यवाद सर, प्रणाम। थैंक यू। और अशोक पवन जी, आप डॉक्टर साहब से ईमेल पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ हो तो शेयर कर सकते हैं, एक बार आप चेक कराने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला अर्ली अल्जाइमर का डिजीज काफी एक्टिव है अभी, और अमेरिका में भी हमने देखा है ये सब चीजें, काफी कोई बुराई नहीं है चेकअप कराने में, टेस्ट कराने में। मिलेंगे अब कोई न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं आसपास। हेलो, ठीक है शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। और हमारे साथ सुमित करण है, अभी अशोक कुमार
आप बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार दीपक सर और सुधा मैम। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ अशोक श्रीवास्तव सर को, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से अभी देखा था पोस्ट, तो मैंने सर को मैसेज किया और सर मुझे लिंक तुरंत भेज दिए। मैम मुझे प्रॉब्लम यह है कि पेन भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता, मतलब जैसे एक होता है ना गैस बनना, तो पेन होना, चेस्ट में पेन होना, कुछ नहीं है, सिर्फ जो है ना एयर पास ज्यादा होता है, बस यही एक प्रॉब्लम है। और मैं ये सोचता हूँ कि मेडिसिन से मैं थोड़ा सा पीछे भागता हूँ, है ना, मेडिसिन में लाइक नहीं करता हूँ ज्यादा, और फिजिकल एक्टिविटी मैं बहुत करता हूँ, जैसे वॉकिंग करना, खाने पे ध्यान रखना, ड्रिंक नहीं लेता हूँ, पान तक नहीं खाता हूँ, शिखर उखर कुछ नहीं मैं लेता हूँ। मैं 30+ एज है और मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ बिहार यूनिवर्सिटी में, बिहार में ही हूँ अभी, इससे पहले मैं KMC में था मैं पहले। तो बस एक ही प्रॉब्लम है कि गैस जो है ना विंग पास ज्यादा होता है मुझे, दिन भर में मुझे लग रहा है 10 भी हो सकता है, 10, 15, 8, 7 ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दूध कभी कभी ले लेते हैं भैंस का दूध, तो उससे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा होने लगती है, बस यही प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैम परमानेंट सोल्यूशन जो है ना, क्योंकि मेडिसिन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन दे देंगे 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से सेम प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, तो मेडिसिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहा है मुझे, तो मैं ये चाहता हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन मुझे मिल जाए। जी मैम, अशोक जी आप है ना जब विंड पास का बोल रहे हैं ना प्रॉब्लम गैस का, जी मोर डकार आने का या मोर नीचे से पास होने का? ना नहीं यस, विंग नीचे वनली वन प्रॉब्लम है, पेन भी नहीं होता है कभी ना, चेस्ट पेन भी है कहता ना ऐसे, चेस्ट पेन होना, बड्डी पेन या बदलना था, कुछ नहीं होता है मुझे, है ना, सिर्फ विंग पास होता है ज्यादा। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि विंड पास होना इज मोर फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम? फ्रॉम बॉटम है। ओके, तो इसमें आप सबसे पहला काम करेंगे कि अपने को है ना 2 हफ्ते के लिए मिल्क बिल्कुल छोड़ने का, दूध दही, दूध से बनने वाली सभी चीजें, अपनी सारी इंडियन मिठाइयां, चीज, पिज्जा, वह सब नहीं लेता मैम, कुछ नहीं लेता मैम, मैं बोल रहा ना बाहर का खाना तक नहीं खाता हूँ मैं। okay. मैं अपने आप को बहुत कॉन्शियस हूँ जी मैम। ओके ओके, फिटनेस में मैं जी मैम। ओके, भैंस का दूध आप किसी और को देना चालू करिए। भैंस का दूध और एनी टाइप ऑफ दूध कंप्लीटली ऑफ करने जी, का जी। दूसरा, आप खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, पर कभी कभी होता है जैसे है ना कि चुविंग गम या जैसे कैंडी खा रहे हैं, तो जो भी कुछ चीज नहीं, चूसने वाली चीज होती है उसमें, और दूसरा जैसे खाना खाते हैं उस समय आपको है ना लिप्स 100% क्लोज, अगर मुंह खोल के खाते हैं तो यू आर स्वालोइंग टन्स ऑफ एयर जी, तो मुंह बंद करके खाना खाते समय बिल्कुल बात नहीं करना, मौन व्रत करके खाना खाना, चू द फूड प्रॉपरली। गैस आपके सिस्टम में 2 तरीके से आती है, या तो आप ज्यादा स्वालो कर रहे हो या फिर आप कोई खाना खा रहे हो उससे गैसेस बन रही है, जैसे फूल गोभी लिया, भिंडी की सब्जी ली, प्याज लिया, तो ये कुछ चीजें होती है जो कि आपको बहुत गैसेस बनाती है। दूसरा, आपने जो इंडियन तड़का देते हैं ना उसमें जो सौंफ, हींग वो चीजें डालते हैं, तो उससे बहुत बनती है गैसेस। मैम वह सब मैं सिंपल खाना खाता हूँ, मैं मसाला भी ज्यादा यूज नहीं करता, हल्दी और हल्का सा धनिया यूज करता हूँ, खाना अपने से बनाता हूँ, शादी अभी नहीं हुई है तो प्रॉपर जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनाता हूँ, बॉयल खाना जैसे होता है मैं वही खाता हूँ मैम। तो उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना विंग जो है ना आता कहाँ से, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। पानी कितना पीते हैं? पानी मैं 4 बजे रात में भी उठ के पीता हूँ, प्यास बहुत लगती है मुझे रात में भी, पानी में कोई कमी नहीं रहता जी मैम। इंक्रीज थोड़ा पानी बढ़ा दीजिए मैम, पानी मैं बोल रहा हूँ ना, पानी दूध कुछ छोड़ दीजिए एंड
see if that improves. मेरे को लगता है आपका प्रॉब्लम वो भैंस से है, भैंस आई थिंक आप पानी पी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं जब आप जी सर कर रहे हैं तो शायद मुझे मिल्क से भी होता है दीपक सर, मिल्क से भी होता है सब बात सही है डॉक्टर की, चाय चीज से चिकना लग रहा है हो सकता है कि तो प्योर भैंस का दूध जो आपका है ना पूरा उसमें मेरे ख्याल से लालू जी के गांव जगह से हाँ तो वो भी तकलीफ हो सकती है क्योंकि प्योर आजकल भैंस के दूध में काफी जी हेवी हो जाता है और कम कम ही लेते हैं, मुझे लग रहा है मिल्क के आसपास में पीता हूँ कई बार, ऐसा भी हो सकता है गाय से जिस भैंस से दूध पी रहे पर्टिकुलर एक अगर उसको भी कुछ इफेक्ट हो तो उनको भी आ सकता है दूध के साथ में, वो ऐसा हो सकता है कभी 100% कभी कभी। लेकिन मैम दिक्कत क्या है, क्या होता है कि कभी कभी है ना जैसे मान लो भैंस के दूध में कोई तकलीफ है या भैंस को कोई बीमारी है, आई हैव पर्टिकुलरली इन माई प्रैक्टिस एटलीस्ट 6 पेशेंट आई डायग्नोस्ड विद ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, जनरली टीबी की बीमारी होती है वो होती है फेफड़ों में, पर कभी कभी जैसे गाय को भैंस को टीबी की बीमारी हुई और हम लोग उसका दूध पिया और ढंग से गर्म नहीं किया या ट्यूबरकुलर बेसिलाई किल नहीं हुआ तो वो दूध पीने से आपको आंतों की टीबी हो जाती है। तो अगर मान लो जैसे आपके ये सिंपल चीजें अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है आपके हिसाब से, आपने सब कुछ कर लिया फिर भी बहुत गैसेस बन रही है तो फिर है कि एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी करना आगे नेक्स्ट रहेगा टू फिगर आउट कि और कोई तकलीफ तो नहीं है जी। और मैम जैसे दूध तो कंपलसरी है मेरे लिए क्योंकि दूध जब मैं नहीं पीऊंगा तो पांव में पेन होने लगता है, जैसे दो तीन दिन अगर दूध में नहीं लूंगा तो एक वीकनेस जैसे होता है ना, पैर में पेन होना या घुटने में पेन होना ये सब चालू हो जाता कभी कभी, तो दूध तो मुझे लग रहा है कंपलसरी मेरे लिए है, ये भी दिक्कत है। नहीं दूध कंपलसरी है पर 2 हफ्ते के लिए ये दूध छोड़ना या 1 हफ्ते के लिए दूध छोड़ना पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो जैसे आपको दूध छोड़ा और उसमें आपको एकदम से इम्प्रूवमेंट आया तो आपको बाद में लैक्टोज की पिल चालू करके दूध ले सकते हैं, दूध से तकलीफ नहीं है, दूध में जो नेचुरल स्वीट पार्ट होता है उसको लैक्टोज का शुगर बोलते हैं और आपको जो तकलीफ है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाता है, और अगर अपने को पता लगता है कि लैक्टोज का प्रॉब्लम है तो बाजार में खाली लैक्टोज की पिल्स रहती है कि जब भी आपने दूध लिया तो लैक्टोज का पिल लिया। दूसरा ये रहता है कि अगर मान लो 2-3 महीना आपने छोड़ा उसके बाद में वापस से शुरू किया तो देन यू विल बी फाइन, देन यू विल नॉट हैव टू टेक द पिल्स, पर पहले एक बार पता लगे कि वास्तव में दूध का प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके लिए हफ्ता भर 2 हफ्ता तो छोड़ना जरूरी है। तब तक आप बीच में बादाम का दूध रहता है, चावल का दूध रहता है, ओट का दूध रहता है तो वो ट्राई कर सकते हैं। नहीं मैम अभी जो है ना मैं सुबह लेता हूँ, रात में सोने से पहले लेता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम बंद कर दूँ, दिन वाला बंद कर दूँ, क्योंकि कल दिन में मैं दूध लिया था तो थोड़ा सा दिन में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, तो ये कर सकते हैं मैम। रात में मैं कंटिन्यू करता हूँ, रात में हल्दी के साथ लेता हूँ मैं दूध। हमने हमारा सजेशन बता दिया, चॉइस आपकी है। अशोक जी लगता है आपको दूध आपको अपनी भैंस से बहुत प्यार है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो लालू जी के यहाँ से तो आपको बिहार से तो आई थिंक डॉक्टर साहब तो गाइड ही कर सकते हैं, बाकी तो और आपके पास एक्सेस दूध हो तो आप अमेरिका भिजवा सकते हैं, हमारे पास यहाँ भैंस हमारे यहाँ भैंस नहीं होती अमेरिका में, घर में नहीं होती स्पेशली। थैंक यू मैम, और अच्छा लगा मैम बात करके, और ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स अप्रिशिएटेड सर, थैंक यू सर। थैंक यू सुमित करण जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, ये सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा साहिल शर्मा का जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ वो लोग कर रहे हैं जिसके कारण हम डॉक्टर से
डायरेक्टली बात कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा ये है कि मेरे अपने रिलेटिव हैं, जीजा जी हैं, उनको एक क्रॉनिक लीवर डिजीज का फाइंड आउट हुआ है, तो जिसके लिए अभी उनका ट्रीटमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। और अब कुछ रिपोर्ट्स है, अगर मैं आपको मैं तुरंत अभी ये सेंड कर सकता हूँ क्या ये चैट पे? अभी दूसरे मरीजों का टाइम जाहिर नहीं करेंगे हम रिपोर्ट चेक करने में। मैंने अपना ईमेल दिया है तो आप उसमें भेज सकते हैं, एंड देन मैं रिव्यू करके आपको बाद में उसमें ईमेल में जवाब दे सकती हूँ। अच्छा, तो मैं पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिपोर्ट्स में, आपके हिसाब से वो रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, लिवर डिजीज का क्या रीजन है? लीवर डिजीज का पहले उनका थोड़ा सा अल्कोहलिक हैबिट था, बट वो 1.5 साल 1 साल से अब छोड़ दिए हैं, नहीं ले रहे हैं। और दूसरा जैसा बता रहे हैं कि लीवर में 90% डैमेजेस है, बट और उनका कुछ दिन 1.5 लीटर वाटर भी पेट से निकाला गया। ओके। और उसके बाद थोड़ा सा स्वेलिंग था पेट, बहुत ज्यादा नहीं, स्वेलिंग तो था, और उसके बाद पानी निकालने के बाद फिर स्वेलिंग भी कम हो गया है पूरी तरह से। और आफ्टर ऑल अभी वो डिस्चार्ज है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको रेफर किया गया है, दिल्ली या हैदराबाद दोनों में कहीं भी जा सकते हैं बोले। तो मैं जानना चाह रहा था कि अभी जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं तो उसमें और उनके साथ हम लोग क्या क्या सावधानी बरते कि जो अभी प्रॉब्लम है वो और बढ़े ना, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कि हम जब तक वहां पर ट्रीटमेंट वहां पहुंच के स्टार्ट ना करें। ओके, सो ये जो सुमित जी आप जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, मुझे रिपोर्ट्स की भी देखने की जरूरत नहीं है। ये एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज बोलते हैं इसको, सिरोसिस कहलाता है। और सिरोसिस की वजह से जब पानी पेट में भरता है तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल लिवर से 4 स्टेजेस होते हैं, हेपेटाइटिस का स्टेज 1 टू स्टेज 4, एंड देन स्टेज 4 से वो सिरोसिस में जाता है। जब वो स्टेजेस 1 2 3 4, चाहे वो अल्कोहल से आ रही है, चाहे वो वायरल हेपेटाइटिस A B C, या किसी भी टॉक्सिन से या किसी मेडिकेशन से, डज नॉट मैटर। वंस इट गोज टू सिरोसिस, इट्स ऑलरेडी डैमेज, लिवर इज ऑलरेडी डैमेज। और जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, वंस इट इज सिरोसिस, इट्स इररिवर्सिबल। तो अभी अपने लोगों का काम एक ही रहता है कि अभी ये सिरोसिस के जो कॉम्प्लिकेशन है उनको कैसे रोका जाए, एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस से डेथ कैसे रोकी जाए और डेथ कैसे प्रोलॉन्ग की जाए, क्योंकि डेथ सबको होती है और कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस से जल्दी होती है। तो अभी अपना यह है कि उसको हम कंपनसेटेड सिरोसिस कैसे बना सकते हैं, उसको कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए जो वाटर पिल्स की दवा देते हैं या जो भी डायटरी एडवाइस करते हैं, दोस आर द ओनली थिंग। अगर उम्र उनकी 60 से कम है, अगर उनके पास और कोई दूसरी बीमारी नहीं है, माने कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, शुगर है, तो वो लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर रहता है। अगर 60 से उम्र कम है तो 40, 38, 39, परफेक्ट। So he will be the perfect candidate. Diabetes alone is not a contraindication for liver transplant. And I think going to Delhi and going to Hyderabad, wherever is convenient for you, I think you should take him for a liver transplant evaluation. Most of the time, because it's alcoholic-induced liver disease, so there is a component of reversible. Once you remove the toxin, then it will recover partly, but not 100%. When you already reach to the level of cirrhosis, and when you already have a complication of cirrhosis, which is the water accumulation in the belly or vomiting blood like a varices, it usually don't go back to normal, but it will be kind of maintained well, kyunki ab aapne toxin remove kar diya hai. Aur agar maan lo, usme lagta hai ki nahi, water accumulate ho raha hai, गड़ी गड़ी उनको बार बार निकालना पड़ रहा है, या उनको और कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो ही विल बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग।
मैडम लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैडम क्या ये आ जाता है बजट? एक्चुअली इन इंडिया दे आर टेलिंग दैट कि वो थोड़ा बहुत कॉस्टली रहता है, तो उसके विषय में आप क्या बताएंगे? यस 100%. सो वन कॉस्ट इज लिवर ट्रांसप्लांट रिलेटेड टू दैट कॉस्ट, पर आफ्टर दैट आल्सो, क्योंकि लिवर इज नॉट समथिंग माइनर, राइट? एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो हमेशा टफ काम रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एक पूरी नई चीज आ रही है और उस नई चीज को टॉलरेट करने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयां लेनी पड़ेगी. एंड दोज दवाइयां इज नॉट लाइक अ सिंपल एंटीबायोटिक लिया कि गैस की दवा ली. दोज दवाइयां आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दवाइयां एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव दवाइयां. तो अगर मान लो जैसे आप है ना प्राइस की दृष्टि से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ अस्पताल होते हैं कि वहां पे है ना वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं और उसके अनुसार आपको किसी प्रोग्राम में डाल सकते हैं. दैट प्रोग्राम कैन हेल्प यू आउट, पर उसके लिए आपको यहाँ के हिसाब से 6 मंथ 100% 6 मंथ आपको जीरो अल्कोहल इन योर सिस्टम प्लस स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, क्योंकि दे डोंट वांट टू गिव यू लिवर. कि अगर मान लो आपको लिवर दिया और कल जाके वापस से पीना शुरू कर दिया तो इट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, राइट? सो यू डोंट, सो यू वांट टू काइंड ऑफ कंफर्म कि जिस मरीज को हम लिवर दे रहे हैं वो लिवर इज गोइंग टू गिव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट. And the patient is going to be a loyal patient, reliable patient, and will be a good candidate. Yeah, definitely. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, Sumit ji. As Leshwar, aap baat kar sakte hain. We're trying to get everybody, so please, thoda sa because calls thode time le rahe hain, and you know, so please, bolie. Good evening, sir. Am I audible? Good evening. Yes, 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 you're audible. Please continue. Good evening, ma'am. Yep. Yeah. Sir, ये काफी दिनों से ना, मतलब ये work from home होने के बाद काफी दिनों से ये gastric का problem काफी रह रहा है. Generally थोड़ा bloating होता है और वो just below the chest, वो एकदम बीचो बीच थोड़ा हल्का सा uncomfortable feel होता है. So उसके लिए मुझे क्या खाना अवॉइड करना है या फिर क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं? 2018 में आई हैव डन द एंडोस्कोपिक एंड एज वेल एज आई हैव डन द कोलोनोस्कोपिक आल्सो, बट सब कुछ नॉर्मल ही आया है. उसके बाद इवन सारे टेस्ट भी जो भी किए थे सारे कुछ नॉर्मल आए थे. तो उन्होंने जनरली मुझे एक 1 मंथ के लिए जैसे गैस का टेबलेट ही दिया था, बट वो अभी फिलहाल 2 महीने से बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है. So, ma'am, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए, जस्ट एक गाइडेंस चाहिए था. आप ये वाला शुरू से सुन रहे हैं या अभी अभी ज्वाइन किया है? शुरू से सुन रहा हूँ मैम. गुड. तो जो हमने पहले वाले गैस बनने वाले पर्सन को बताया था ना फॉर्मूला, जी व्हाट फॉर्मूला की मिल्क, जी मैम, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है ना वो काफी काफी कॉमन प्रॉब्लम है. अगर आपने एंडोस्कोपी का काम कर दिया है और आपने दवाइयां ट्राई करने का, दवाई लेने का भी ट्रायल कर दिया है, तो एक बार अपने आप को लैक्टोज फ्री डाइट पे रखने का, मिल्क फ्री डाइट फॉर जस्ट फॉर अ वीक. एंड दूसरा, खाने पीने में जो भी गैस बनने वाली चीजें हैं, तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, चीज, पिज्जा, केक, कुकीज, आइसक्रीम, एनी ऑफ दोस टाइप ऑफ थिंग्स, प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट रख लें ताकि डिस्टरबेंस नहीं है, प्लीज. यस यस मैम. वो ट्राई करके देखें. प्लस पानी की मात्रा 2 लीटर से ज्यादा. जनरल फॉर्मूला हम बताते हैं कि आपका वजन जैसे 60 किलो है, राइट? जी तो 30 ounce वाटर चाहिए. जितना पाउंड में, जितना पाउंड, सॉरी नॉट किलोग्राम, 100 pound अगर आपका वजन है तो 50 ounce वाटर चाहिए. वॉट एवर इज योर वेट, 50% ऑफ दैट इन ounce वाटर इनटेक यू शुड हैव. उसमें सारे जो कैफीन वाले ड्रिंक्स हैं वो काउंट नहीं होंगी. जी मैम. बिना कैफीन वाली चीजें ही काउंट होगी.
Okay. Should I need to avoid the tea and coffee also? As I told earlier, if you are going to give up everything, what is the point of living? So everything in moderation. अगर आप सुबह एक कप चाय पी रहे हैं, which is okay. For every 2 hours, big cup of chai, big cup of coffee may not be a good idea. Ma'am, twice a day, will that be okay for me? Try to do one. Okay, ma'am. And if I'll be taking in the empty stomach, will that be okay or should I need to take after the meal or something else? No, empty stomach is fine. Okay, ma'am. And one more thing, ma'am, means like, do I need to avoid all the things made of milk, like paneer? For 1 week to 2 weeks, 100% avoid and see whether you have the lactose problem or not. Okay, ma'am. And ma'am, in future, if I have done the endoscopy on 2018, will that be necessary to do it again or should I need to leave? No need to do it again. Okay, ma'am. Because I am staying in Hyderabad and we have a big hospital here called Asian Institute of Gastroenterology. So I have done the test there only because they have a good reports and all, and they have the good doctors. And if I'll go there again, they will stand me on the queue and they will ask me to do all the tests. And then only they will decide on anything else. Before that, they will not say anything. Like if I'll go to some other doctor, they will give an opinion. Okay, you start with this medication and you do these things and then you'll come. And if this will not curable, then only you can go for the test. But in this Asian Institute of Gastroenterology, you'll go directly, they will ask for you multiple tests, which they will leave you in a trouble because you have to stand in a queue. You have to wait for 1 or 2 days, then it will get resolved. And after giving so much of money, at last they have given me 100 rupees of medicine. हमारा धंधा है, अगर हम एंडोस्कोपी नहीं करेंगे तो हमारे बिल कैसे पे करेंगे? So ma'am, I was just asking, do I need to do the test again or just need to avoid all these things? And conservative treatment first. Okay, ma'am. Procedure next. Okay, ma'am. And I'm taking this Pandi actually 15 days के लिए. पैंडी ले रहा हूँ मैम, और एक किनप्राइड एसआर करके टैबलेट है, विच इज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसके लिए उन्होंने मुझे डिस्पेसिया करके आई डोंट नो द मेडिकल टर्म एक्चुअली, डिप्सेसिया सम वर्ड आई डोंट नो, मतलब यू विल बी नोइंग इट बेटर. सो वो बोला कि शायद वो है आपको, तो आपको आपके लाइफस्टाइल चेंज करने पड़ेंगे. एंड 15 डेज के लिए मेडिकेशन दिया है जो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं. ओके, डिस्पेप्सिया एंड दैट इज करेक्ट. यस मैम. स्वराज जी प्लीज. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू माय सर. स्वराज जी, गुड टू सी यू. बहुत अच्छा आपसे वापस मिलके, बहुत टाइम बाद. ऑलवेज गुड टू सी यू. Same here, sir. Swaraj ji, Dr. Nahar, Swaraj ji is one of the activists. So, काफी इन्होंने working किया है. 35-40 days भी हमने जब session किया तो continue रहे हैं. उन्होंने बहुत लोगों को treat किया है, पूरे उत्तराखंड से हैं. उन्होंने काफी अच्छा काम किया है. So, we really want to apply for him for that. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपका appreciation अच्छा लगता है. काफी दूर है, मगर ये जो हौसला अफजाई है, बहुत अच्छी लगती है चीजें. गुड मॉर्निंग मैम. मेरा एक सवाल ये है कि जैसे पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट घर आता है तो उसको स्टमक में पेन होना हल्का फुल्का और इंस्टेंट टाइम्स में सूजन आ जाए, तो उससे खाना जो है डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, ये चीज. तो उसके लिए मतलब बेस्ट प्रिपरेशन क्या रहेगी, क्या मेडिसिन रहेगी, या मेडिसिन के अलावा हम खाना क्या, फूड डाइटिंग सिस्टम क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे इसमें? तो जनरली कोविड में जो भी जीआई के इश्यूज रहते हैं ना, वो लिवर को अफेक्ट कर सकता है या इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर सकता है. पर एक बार आप ऑलरेडी अस्पताल से डिस्चार्ज होके घर पे आ गए तो दैट ऑटोमेटिकली इज टेलिंग कि जो भी सिस्टम आपका इन्वॉल्व हुआ कोविड से, इट्स नॉट इन डेंजर, नॉट सीरियस, एंड दैट इज द रीजन यू गॉट डिस्चार्ज. पर एक सिंपल अपने को वायरल बुखार भी आता है ना, तो भी हमको कितनी तकलीफ होती है और उसको वापस से ठीक होने में कितना टाइम लगता है. तो ये कोविड थोड़ा खतरनाक वायरस है, तो इसका जो इफेक्ट है वो जाने में वीक्स लग सकते हैं, राइट?
क्योंकि इट्स अ मल्टी सिस्टम अफेक्टिंग वायरस, और जहां तक स्टमक का सवाल है तो उसके लिए इन जनरल हम जैसे ना फ्रूट्स वेजिटेबल ये चीजें ज्यादा देते हैं, मरीज को इसका जूस पिलाया वो किया, तो जब भी अगर स्टमक के सिम्टम्स हैं तो स्टमक को रेस्ट देना चाहिए। और स्टमक को रेस्ट बोले तो जैसे सिंपल अपने हिसाब से हार्ट अटैक हुआ तो बेड रेस्ट, स्टमक का प्रॉब्लम गट रेस्ट, एंड गट रेस्ट माने कि मुंह से खाने पीने की मात्रा में कम करने का, मुंह से जो भी चीज दे रहे हैं वो पहले से प्री प्रोसेस्ड रहे, स्टमक को काम पचाने के लिए कम करना रहे। आप जैसे दाल बाटी जैसे लिया या दलिया खिचड़ी लिया, तो दलिया खिचड़ी विल बी मच बेटर देन कोई हार्ड चीज, हैवी ड्यूटी मीट प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी लेस इफेक्टिव। एंड इन टर्म्स ऑफ यू हैव टू काइंड ऑफ जस्ट गिव द गट रेस्ट फॉर अ वीक और टू। जो बाजार में प्रोटीन का ड्रिंक रहता है एनश्योर करके, ग्लूसरना करके, तो जो प्रोटीन ड्रिंक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है वो वन कैन एक दिन में दिया तो उससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा मिल गया, एट द सेम टाइम जीआई सिस्टम डजंट हैव टू वर्क एट ऑल, इट्स गोइंग टू बी इजीली अब्सॉर्ब गिविंग यू गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड प्रोबेबली विल हील द म्यूकोसा, हील द स्वेलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन क्विकली। मैम इसमें एक थोड़ा ऐड ये करना चाहूंगा, जिनको प्रॉब्लम जैसे पेशेंट ट्रीटमेंट होके घर पे आ जाते हैं मगर उनका O2 लेवल 92-93 रहता है, उसपे भी क्या स्टमक पे इफेक्ट रहता है? मतलब O2 लेवल पे कुछ ऐसा है कि जो स्टमक पे इफेक्ट करता है? 100% जिस तरह से अपने को हार्ट के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं इन जनरल बिना किसी बीमारी के, ध्यान है हम जब दिन में लंच खाते हैं और लंच के बाद एकदम से ऊंग आती है, सोने का दिल करता है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से ब्रेन में कम जा रहा है और पाचन तंत्र में ज्यादा जा रहा है, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल 92 है और अभी आपने खाना खाया और खाने में भी अगर आपने थोड़ा हैवी मील ले लिया, तो उस इंटेस्टाइन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, पर ऑक्सीजन इज फाइटिंग कि ब्रेन को दें, हार्ट को दें या स्टमक को दें, तो स्टमक का नंबर सबसे बाद में आता है, क्योंकि अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया तो सिग्नल नहीं मिलेगा, हार्ट में ऑक्सीजन नहीं गया तो दूसरे ऑर्गन नाराज हो जाएंगे, तो जब ऑक्सीजन लेवल लो है तो उस चक्कर में स्टमक को सबसे लो ऑक्सीजनेटेड वेरी वेरी लो सर्कुलेशन मिल रहा है और इस वजह से वो दर्द हो रहा है। तो उसके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको प्री प्रोसेस फूड लें, प्लस एवरी 2 आवर्स छोटी छोटी मात्रा में, जैसे अपन चिड़िया को दाना देते हैं ना उस तरह से देने का, तो वो जो छोटे मात्रा में रहेगा तो फिर डाइजेशन के लिए ज्यादा जोर नहीं लगेगा, एंड ज्यादा ऑक्सीजन न भी मिले तब भी स्टमक काम करता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे वापस मिलके। अब सेशन एंड होने के बाद में विल स्पेंड सम टाइम अगेन टू रिफ्रेश आवर मेमोरीज। आज वी हैव फ्यू कॉलर्स, तो सौरभ है, आई थिंक आई हैव गॉट अ नोट फ्रॉम रेडमी, सौरभ। तो सौरभ, यस सर, कैन यू हियर मी? यस, प्लीज सब पेशेंस रखिए क्योंकि वी विल ट्राई टू गेट एवरीबॉडी। आई एम सीइंग सम पीपल आर ऑर्डर, हमारे को भी 1 आवर हुआ है, वी आर ऑन द कॉल एंड विल बी ट्राइंग टू हैव एवरीबॉडी, सो प्लीज कीप पेशेंस। हां जी सौरभ बोलिए। आई थॉट यू मिस्ड माय नेम, दैट्स व्हाई आई मिसस दैट। ओके, गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, 2 days अगो इन द मिडनाइट व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, सडनली आई फेल्ट द अर्ज टू डिफिकेट अर्जेंटली, स्टूल वाज नॉट कॉम्पैक्ट and very slippery, and I felt the same after every 1 or 2 hour, and after 2-3 times ma'am, blood started dripping after the stool was passed. So that day I went to toilet 8-9 times, and ma'am, that night I took some tablets, some antibiotic and some medicine to stop the blood. Then blood stopped for 1-2 days, then after again
1-2 days, the blood started dripping again. So, ma'am, what could be the reason for that? What is your age? Ma'am, my age is 25. Okay. And most of the time when something like that happens at your age is like a food poisoning or a gastroenteritis. So whatever you ate two nights ago probably did not agree with your system. And that probably had given you the initial issue of slippery stool and diarrhea. And when you go to the bathroom so many times, इतनी बार जाने की वजह से वो हेमोरॉइडल बवासीर पाइल्स का प्रॉब्लम कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है और उस वजह से आपको मोस्ट लाइकली ब्लीडिंग हुआ है. अगर मान लो हफ्ता भर दो हफ्ता निकल जाए और फिर भी अगर ब्लीडिंग बंद नहीं होता है तो मेरे ख्याल से आपको कंसर्न है एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखा के चेकअप कराना पड़ेगा कि ये खाली पाइल्स का प्रॉब्लम है या अंदर में कोलन में कोई अल्सर या कोलाइटिस या कुछ और तकलीफ है. क्योंकि अल्सर कोलाइटिस क्रोन्स कोलाइटिस दो बीमारी रहती है वो आपके उम्र में ही रहती है 20s and 30s वेरी वेरी कॉमन एज. तो शुरुआत हुई स्टमक वायरस से गैस्ट्रोएंटेराइटिस से फूड पॉइजनिंग से. अभी तक पहले आपको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई पर क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से जो अंडरलाइंग कोलाइटिस था वो प्रेसिपिटेट हुआ है. मैम फ्रॉम द पास्ट 8-9 months दिस थिंग इज हैपनिंग इन एवरी 1 month और 2 month. आई टेक सम मेडिसिन टू स्टॉप द ब्लड देन इट स्टॉप्स बट इट अगेन कम आफ्टर 1 month. Okay, so at this point, if it is happening 8-9 months and not just 2 days or a week ago, you definitely should consider gastroenterology ka evaluation and colonoscopy. Kyunki piles pe, bawasir pe, inko blame karke andar mein koi dusri condition hai, usko aap deny nahi kar sakte, nahi karni chahiye. Kyunki in bimariyon ke ilaaj hai, to aapko roj khali antibiotic aur टेम्पररी चीज जैसे बैंडेड लगा के ब्लीडिंग को स्टॉप करना इज नॉट द राइट थिंग. ओके मैम नाउ आल्सो आई एम फीलिंग लाइक डिफिकेटिंग आफ्टर एवरी 1 or 2 hours. सो व्हाट शुड आई डू मैम बिकॉज़ आई हैव कंसल्टेड अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड ही कंडक्टेड सम एक्सरे चेस्ट एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट एंड ही सेड दैट एवरीथिंग इज ओके बट अगेन आई एम हैविंग द सेम प्रॉब्लम. आई थिंक आपको वापस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनको ये ईमानदारी से बताइए कि ये सिम्टम आपको पिछले 8-10 महीने से हो रहे हैं एंड ठीक नहीं हो रहे हैं तो कुछ और टेस्ट हो सकता है क्या. ओके मैम थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू मैम. वी हैव द नेक्स्ट वन प्लीज. Next, Redmi. नमस्कार सर. नमस्कार सर. हाँ नमस्कार. हाँ नमस्कार मैम. हाँ बोलिए मैम. मैं actually I used to have only 2-3 chapatis in 24 hours and little bit rice and I'm in field job. तो तब भी मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है मैम और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है ना. तो in that case I can have only 2 chapatis, not more than that. तो ये मेरा कंसर्न था मैम. खाली पेट निकला हुआ है या ओवरऑल वजन ज्यादा है. नहीं खाली पेट ही निकला हुआ है मैम. ओके तो अगर एंड आई मीन फील्ड जॉब. या फील्ड जॉब माने आपके हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी इनफ हो रही है. हाँ फिजिकल एक्टिविटी इज देयर बट भूख लगने पे भी 2 रोटी ज्यादा नहीं खा पाता हूँ और पूरे 24 आवर्स में 2-3 रोटी ज्यादा से ज्यादा और थोड़ा सा चावल. 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि आप नहीं खाना चाहते हैं या आपको खाने के बाद फुल लगता है. खाने के बाद लगता है कि अब नहीं खा पाऊंगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ओके तो मेरे ख्याल से एंडोस्कोपी कराई है अभी कि नहीं कराई है. हाँ एवरीथिंग इज नॉर्मल मैम. एवरीथिंग इज नॉर्मल. ब्लड टेस्ट सब कुछ कराया हुआ है. नहीं ब्लड टेस्ट कैमरा डाल के स्टमक में जांच करी कि नहीं करी.
Yes, ma'am. Yes. Actually, I'm from medical field. I used to work in neurosurgery. Okay. तो सारा टेस्ट हो चुका है मैम, बट देयर इज नथिंग डिटेक्टेड, एवरीथिंग इज नॉर्मल. व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल देन वी ब्लेम इट टू डिप्रेशन, एंजाइटी. यू नीड टू कंसीडर दैट इवैल्यूएशन एंड सी, क्योंकि जब हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं अर्ली सैटिएटी माने कि भूख लग रही है पर एक रोटी खाई और पेट एकदम से फुल हो गया है, सिचुएशन में जनरली स्टमक का कोई कंडीशन रहता है, पर आपका अगर टेस्ट सब कुछ नॉर्मल हो गया है, एंडोस्कोपी हो गई है और फिर भी आपको लगता है ऐसा, तो देन प्रोबेबली नीड टू विजिट द एंजाइटी डिपार्टमेंट, डिप्रेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि कभी कभी ब्रेन कंट्रोल्स वेरी मच एंड ब्रेन गट कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग, कि जो आपके ब्रेन में चाहे हैप्पी है चाहे सैड है इज कनेक्टिंग टू योर गट. And maybe that is the reason that you are not able to eat. Yes, ma'am. Okay. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Ramesh ji, good. I think our session is very good. In fact, ma'am, I want to add one thing. तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मेरा जो दिमाग का कनेक्शन है ना, इतना डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है. बट जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड चल रहा हो कुछ, ऐसा हो सकता है मे बी. यस यस मैम. ठीक है, मनीष हमें दिख रहे हैं और आनंद, आप आनंद यू वांटेड टू कम. थैंक यू लॉट म्यूट है सर. आनंद आप म्यूट है. हाँ सर. मैम गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. बोलिए सर. सर मैं ये जानना चाह रहा था, कुछ कोविड पेशेंट्स जिनको डायरिया हुआ था वो आज भी कंप्लेंट करते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट का, ऐसे पेशेंट्स को हमें क्या करना है? और दूसरा सर, कुछ लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भूख खत्म हो जा रही है, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी ज्यादा हो रही है, ऐसे लोगों को क्या समझाइश देना है सर? Very tricky question. Ma'am, I'm sorry to ask, पर मैडम ऐसा हो रहा है. Good question, good question. As मैंने बताया कि COVID is a new कीड़ा, nobody knows how it is affecting. So how much is the real COVID here and how much is the mental from the COVID? Yes, ma'am. Right? तो अपने नंबर अभी क्या है कि जब भी कोई भी जीआई के सिम्टम्स हैं, तो फर्स्ट स्टेप यू डू कि मेक श्योर कि नथिंग एल्स गोइंग ऑन. क्योंकि हर चीज हम अगर खाली कोविड के अनुसार करेंगे और कोविड को ब्लेम करेंगे, कोविड आया इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बीमारियां सब चुप बैठ गई हैं, दूसरी बीमारियां सब खत्म हो गई हैं, राइट? जी जी मैडम, एकदम. So you need to think from that mindset कि ये जो symptoms हैं ये सब COVID related हैं या कुछ और हो रहा है. Once we rule that out, then only we are going to say कि भाई all the tests we have done are negative. We are not worried about any colitis. We are not worried about colon cancer. We are not worried about stomach cancer. Then we can say prove. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फैमिली मेंबर, आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट, राइट, कि फैमिली मेंबर तो हमेशा यही बोलेंगे कि कोविड रिलेटेड है, मेरा कोई सुनता नहीं है, मुझे पता है ये कोविड से ही है. तो अच्छा. वो मेंटालिटी को चेंज करना, वो मेंटालिटी को असेस करना इज नॉट इजी. यस मैम, राइट. सो मैम एकदम सही, उसके लिए आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर हो ना इंडिया तो में. वो एक्सपर्ट डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि लेट्स डू दिस टेस्ट, लेट्स डू दैट टेस्ट. और आई पर्टिकुलरली पर्सनली दिस टाइप ऑफ पेशेंट, वन टेस्ट एट अ टाइम. एक टेस्ट हुआ, फिर उसको बताया कि देख भैया ये उसमें कुछ नहीं आया, फिर दूसरा किया, देख इसमें कुछ नहीं आया, फिर तीसरा किया, ये कुछ नहीं आया, एंडोस्कोपी किया कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड किया कुछ नहीं, सीटी स्कैन कुछ नहीं, कोलोनोस्कोपी कुछ नहीं. अब तू बता कि क्या तकलीफ है.
अगर ये सारे टेस्ट तेरे नेगेटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये तेरे मन का वहम है, और जो मन का वहम है दैट इटसेल्फ इज अ डिजीज, क्योंकि ब्रेन इज ऑल्सो एन ऑर्गन राइट, एंड ब्रेन हैड गॉन थ्रू द बिग इफेक्ट ऑफ कोविड, द फियर ऑफ डेथ, दैट फियर ऑफ डेथ had survived, you did not die, but is still killing you internally. So you need to fix that. Okay, ma'am. Ma'am, बहुत अच्छा समझाया मैं. ma'am, एक चीज और पूछ सकता हूँ श्रीजी. ma'am, ये बच्चों को भूख लगने के लिए साइप्रो है. देना चाहिए कि नहीं? हेलो, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू हियर. हेलो हेलो, आनंद बोलिए बोलिए. सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैडम बच्चों को भूख लगने के लिए साइप्रो लेना है राइट, साइप्रो एप्टेड तो आप अपने अपने लेना चाहिए, तो आप अपने बारे में पूछ रहे हैं सर, मैं बच्चा लिख रहा हूँ. ये पूछ रहे हैं कि बच्चों को भूख लगने के लिए साइप्रो साइप्रो लेना चाहिए कि नहीं, मेरे ख्याल से अपने बारे में पूछ रहा है. यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से हम किसी भी जने को भूख लगने की दवा बहुत सोच समझ के देते हैं. बिफोर यू गिव द एपेटाइट स्टिमुलेंट यू हैव टू सी कि वो भूख क्यों नहीं लग रही है. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे में कुछ तो है कि वो नहीं खा रहा है. जनरली बच्चे लोग कितने दौड़ते हैं, कितनी एनर्जी अपने आप को एक्सपेंड करते हैं राइट, तो उन लोगों को भूख का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. या तो है कि उनके पसंद का खाना नहीं है, या उसको हम कोई जबरदस्ती चीज खिला रहे हैं. तो यू नीड टू सी कि वो बच्चा खा क्यों नहीं रहा है. उस चीज को फिक्स करना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू गिविंग सिप्रो. ओके ओके, थैंक यू मैम. मैम बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग टीम का, और भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आलोक भैया को बहुत धन्यवाद. थैंक यू. एक लीना हमारे साथ में है. लीना कैन यू कम ऑन, वी हैव फ्यू मोर पीपल, आई कैन सी द नेम, मनीष है और बट वी वांट टू टेक लीना राइट नाउ. सर लीना श्रीगान. हाँ लीना बोलिए, आप बोलिए प्लीज. जी सर आपको नमस्कार, मैम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार. एक्चुअली मैं भी अपने विलेज में हूँ, और एक लेडी है जो काफी टाइम से वेट कर रही है अपनी प्रॉब्लम आपसे ये जानने के लिए, तो मैं अभी डायरेक्टली उनसे अब बात करवा रही हूँ आपकी, है ना. ओके, लीना भी एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनको मेरे को मैसेज आया था. लीना काफी अच्छा काम कर रही है. लीना सो नाइस ऑफ यू. सर मैं बेसिकली सर नेचुरोपैथी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, बट आपको पता है एलोपैथी हम लोग सर्वाइव नहीं करते, वो मोटिव हमें चाहिए ही होता है. तो ठीक है, मैं हमेशा जुड़ती हूँ आपके साथ, कई बार मैं जोड़ चुकी हूँ और कई कैंप करती हूँ सर मैं, नैनीताल, जयपुर, दिल्ली, सब जगह मेरे चलते ही रहते हैं. अभी थोड़ा सा कोविड की वजह से डिस्टर्बेंस है, बट मैं हर जगह मूव करती हूँ और ट्रीटमेंट करती हूँ. हाँ बताइए क्या हो रहा है आपको, जो बताइए. हमको हार्ट अटैक, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है बेसिकली. ओके, और ऑपरेशन हो गया हमको, 3 साल हो गया ऑपरेशन होने से. ओके, हम लोग यहाँ पर धड़कन होता था, बेहोश हो जाते थे हम एकदम, तो मशीन लगा है हमको यहाँ पर. ओके, और वही धड़कन बढ़ जाता है अभी भी, गला में, माथा में, छाती में, माथा लगने लगता था एकदम सुन तरह, ढेर बोलने का मन नहीं करता है, ढेर बोलने को मन नहीं करता है, बोलते हैं तो मन लगता है हफसने लगने, झुकते हैं लुकते हैं तो भी पेट छाती पेट में लगता है, कलेजा तक औनौने लगता है कि एकदम औनपौन म्याज करने लगता है. एक्चुअली ये सर मैं लोकल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं इनकी प्रॉब्लम जो है वो ये कहना चाह रही है कि इनको ऑपरेशन हो गया इनका, बट ये है कि इनका पल्पिटेशन बहुत हाई रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका पल्स हाई है, और ये झुकती है तो भी इनको प्रॉब्लम रहती है, और सर हमेशा इनका भारी रहता है, सर में दर्द रहता है,
सारी मेडिसिन ये ले रही हैं, ऊपर से ढकार भी देता है। ठीक है, ढकार इनके आते थे, बब्स बनते रहते हैं इनके, और बस सरूर जो इनका बोल रहे हैं मशीन लगी हुई है, मशीन माने पेसमेकर है, डिफिब्रिलेटर है या अच्छा मई में, मई में ही हुआ है, हाँ मई में हुआ है, जून में ही हुआ है मैम, जून में ही हुआ इनका, मई जून में। ओके, तो जो पेसमेकर वाले डॉक्टर है उन्होंने बोला कि पेसमेकर बराबर काम कर रहा है? हाँ, बोला कि बराबर ठीक है, बराबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ठीक है। ओके, अगर पेसमेकर काम बराबर कर रहा है और आपको हार्ट की दवाइयां का एडजस्टमेंट बराबर हो चुका है तो मेरे ख्याल से आपको खाली है ना, थोड़ा सा उनको रेगुलर चेकअप करा के थोड़ा दवाइयों को एडजस्ट कराने का है। कभी कभी जो दवाई देते हैं ना ब्लड प्रेशर के लिए या हार्ट अटैक के लिए या बाईपास सर्जरी के लिए, बीपी भी बढ़ जाता है। तो वो जो हार्ट जो दवाइयां है ना, वो दवाइयां चेंज करके ऐसी दवा दे सकते हैं कि उससे हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाए, पाल्पिटेशन थोड़ा कम रहे। तो उनको ये बोलने का कि ये दवाई जो है उस दवाई मेरे को काम बराबर नहीं कर रही है क्योंकि मुझे इससे पाल्पिटेशन हो रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग ये बीटा ब्लॉकर रहता है एक दवा का नाम, मेटोप्रोलोल जैसी दवा, तो वो करने यहाँ पर पहले पूरी बात सुन लीजिए, पहले हाँ मैम प्लीज। तो वो मेटोप्रोलोल जैसी दवा है ना, वो हार्ट रेट को थोड़ी कंट्रोल में रखती है, और फिर दूसरा अपना एंग्जाइटी का कंट्रोल भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी एंग्जाइटी पैनिक अटैक जैसे रहता है ना, तो उसमें भी काफी ये सारी चीजें रहती है, घबराहट होना, पाल्पिटेशन होना, पैनिक अटैक जैसे स्वालोइंग एयर जैसा, तो वो चीज को भी कंट्रोल। अगर कार्डियोलॉजी बोल रहा है कि पेसमेकर बराबर है, दवाइयां सब बराबर है और फिर भी अगर ये हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो एस्पेक्ट भी अपने को चेक कर लेना चाहिए। जी जी मैम, यस मैम। लीना आप उनको समझा सकते हैं और डॉक्टर साहब का ईमेल हमारे ने शेयर किया है वेबसाइट, तो आप उनसे डायरेक्ट रिपोर्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ जी 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 सर। और कोई कॉलर है आपके यहाँ लीना? सर एक और भी है। जी यस सर, एक और भी है, अभी मैं उनसे बात करा देती। बेसिकली उनकी प्रॉब्लम मैं शेयर कर देती हूँ। उनकी प्रॉब्लम ये है कि एज है उनकी 70 के आसपास, 69-70। बीपी हमेशा से ही उनका लो रहता है और जैसे मंथ में वन टाइम या टू मंथ्स में एक बार उनको चक्कर आते रहते हैं। जैसे अभी उनका यही शेड्यूल चल रहा है 2-3 दिनों से। ब्लड वर्क कब कराया है? ब्लड का टेस्ट कराया है? सोडियम लेवल क्या है उनका? नहीं। या आई थिंक मोस्ट कॉमन रीजन चक्कर आने का और ब्लड प्रेशर लो जाने का कि वहां पे है ना, कई लोग रहते हैं कि खाने पीने में है ना पानी ज्यादा पीते हैं और लाइक बिस्किट के साथ खाना खाने के बाद ये दो एक बार में 1 लीटर पी जाती है, 1 लीटर 1.5 लीटर। हाँ, तो दैट इज मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दैट इज कि पानी ज्यादा पिया, सोडियम का लेवल कम हो गया और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया और उसकी वजह से चक्कर आना, डिजीनेस रहना। तो मेरे ख्याल से एक बार आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए सोडियम का लेवल देख के, एंड देन फिर पानी को थोड़ा कंट्रोल करने का। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। और कुछ पूछना? अच्छा, थोड़ा जैसे चलती हैं, वॉक करती हैं, इनकी सांस फूलने लग जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है, मतलब ब्रेथलेस होने लग जाती है ये। या वही, सो लो सोडियम कैन डू दैट। ओके मैम, ओके 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 लीना, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलने में अरविंद सिंह प्लीज, मनीष
जी नमस्कार डॉक्टर, मैं मनीष जी की वाइफ सोनिया सिंगल बोल रही हूँ। मैम ऐसा है कि मेरे को कुछ टाइम से पेट में दर्द रहने लगा है और वो रिब्स तक आ जाता है, दोनों तरफ ऐसा लगता है रिब्स में दर्द हो रहा है, तो गैस बहुत बनने लगी है, डॉक्टर ने बताया था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर से शुरू हुई थी जुलाई से, तो 3-4 महीने इसका इलाज चला था। उस टाइम में ऐसा हुआ था कि मैं 3 महीने तक तो मुझे खाने का भूख क्या होती वो फीलिंग ही खत्म हो गई थी कि भूख है क्या, जबरदस्ती हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ले रही थी मैं, एंग्जाइटी लेवल हद से ज्यादा हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं जो ब्रीथ कर रही हूँ वो अपनी बैक से नेक से ऐसा कर रही हूँ, मुझे यही नहीं पता चल रहा था मैं नोज से कर रही हूँ। खैर वो काफी 4-5 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला, तो वो अब जो है फिर से शुरू हो गया। मुझे मई में से पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था और ऊपर तक आ जाता है मुझे चेस्ट में, और चेस्ट में ऐसा लगता है कि घबराहट बेचैनी इतनी ज्यादा, पूरी पूरी रात डर के मारे हालत खराब और नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था हाथ कांपे जा रहे हैं हाथों में, मतलब घबराहट के मारे कब कभी सारे शरीर में, और डर जैसा लगने लगता था बहुत ज्यादा। तो वो 4-5 महीने काफी ट्रीटमेंट पर काफी चीजें ठीक हो गई थी, लेकिन अभी एंग्जाइटी का पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी घबराहट हो जाती है, और क्या हुआ कि स्टेमिना बिल्कुल ही लो हो गया, थोड़ा सा भी लोड ले लूं काम का तो वो हो नहीं पा रहा था कुछ भी। तो अब विद टाइम थोड़ा सा बेटर हुआ, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन ये समस्या फिर से शुरू हो गई है। अभी इसका ट्रीटमेंट 10 दिन मैंने ले लिया पेट दर्द का, तो डॉक्टर ने बताया ये गैस है और मुझे चेस्ट तक फील होता है वो गैस आ रही है। 10 दिन के बाद फिर क्या हुआ कि मुझे हद से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया गैस के ट्रीटमेंट से, और मुझे ब्लड आने लगा स्टूल के साथ। फर्स्ट डे तो ऐसा हुआ, उसके बाद अब मैंने सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाया अपने उस एरिया पे, अगले दिन से क्या हुआ मुझे ब्लड तो नहीं आया लेकिन फिर मोशन बहुत टाइट आने लगा कि मेरे चीख निकल जाए, इस तरह से इतना पेन होने लगा होने में। अब फिर मैंने दोबारा ट्रीटमेंट शुरू कराया तो मतलब ये समस्या खत्म नहीं हो रही गैस की इतनी ज्यादा, मुझे कुछ था ही नहीं लास्ट ईयर से कुछ हो गया, और कपकपी सी, घबराहट सी, एंग्जाइटी बहुत होने लगी है। तो इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है, अदरवाइज तो ऐसे पेट में दर्द तो चलता ही रहेगा, फिर ये दवाएं ली फिर ठीक फिर करवड़, तो इसके लिए क्या करें? आपने है ना पेट के डॉक्टर से इलाज कराया, सोफ्रामाइसिन लगाया, एंग्जाइटी के लिए किसी का इलाज कराया अभी तक के नहीं कराया? नहीं मैंने एक्चुअली पेट के डॉक्टर को नहीं दिखाया था, फिजिशियन को ही दिखाया था। हमारी फैमिली डॉक्टर है वो, तो शुरू से काफी सालों से वही ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर बताया था कि आपके गैस है, तो गैस ऊपर तक आ गई थी, तो वो मुझे इस तरह की फीलिंग होने लगी थी कि मेरे को लग रहा था कुछ होने वाला है मेरे साथ, मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता था। पहला स्टेप है कि जब भी आपकी उम्र में किसी को भी ब्लड आता है या पॉटी के लिए चीख निकल रही है, तो प्राइमरी डॉक्टर फैमिली डॉक्टर से थोड़ा सा हट के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि पता लगे कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम 45 एंड अबव सबको, वेदर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोलोनोस्कोपी करते हैं। अच्छा, बिकॉज नंबर 2 कॉमन डेथ, कॉमन रीजन फॉर डेथ इज कोलन कैंसर, नंबर 1 इज लंग कैंसर। अपने लोग स्मोकिंग वगैरह कम करते हैं तो लंग कैंसर इज लेस लाइकली, बट कोलन कैंसर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। तो मेरे ख्याल से एक बार आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, स्टमक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। ये एंजाइटी वगैरह घबराहट जो इतनी ज्यादा हो जाती है उस समय, उसके लिए क्या करें? यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, ईदर यू स्टार्ट विद द एंजाइटी डॉक्टर और यू स्टार्ट विद द स्टमक डॉक्टर। I say stomach doctor because of the symptom of bleeding, because gases are coming all the way to the top. So you start with that, and agar maan lo unka sara workup negative aata hai, to kabhi kabhi khali aapke man ko ye dikhaya ki andar camera dal ke dekh liya hai, koi takleef nahi hai. Wo brain apne aap stomach ko samjhata hai ki bhaiya calm down, abhi koi takleef nahi hai. Phir bhi agar nahi hota hai, to phir anxiety ko jane ka. लेकिन ब्लड में एक ही दिन आया था, जब ये 10 दिन का ट्रीटमेंट ले लिया था पेट में दर्द का, उसके 2-4 दिन बाद एक दिन आया था बस, फिर उसके बाद थोड़ा टाइट आने लगा। अब उसके बाद मैंने इसबगोल वगैरह जो होता है दूध में डाल के लिया, तब उतना हार्ड करके नहीं आता, अब बेटर है सिचुएशन पहले से। तो इन दिस केस ऑल्सो आई हैव टू कंसल्ट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट? दैट इज करेक्ट, बिकॉज इट्स लाइक प्रेगनेंट और नॉट प्रेगनेंट। वन टाइम ब्लीड आया, यू कैन से कि एक बार ब्लीडिंग हुआ है, दैट इज गिविंग यू अ सिग्नल। आप वो सिग्नल को एक्सेप्ट करके
देखने का है या उस सिग्नल को इग्नोर करना है. 5 years डाउन द रोड अगर कुछ गड़बड़ निकला तो यू विल बी द वन कि यार मेरे को सिग्नल आया था मैंने क्यों इग्नोर किया. जी जी बिल्कुल. तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखा रहे उसके बाद उससे एंजाइटी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी जब ये गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. स्टेप एट ए टाइम. ओके थैंक यू वेरी. थैंक यू जी. तो अरविंद सिंह. हाँ सर. सर नमस्ते. नमस्ते जी. सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मैं बस मैडम से इतना पूछना चाहता हूँ कि मैडम मुझे मतलब खाने के बाद लगातार डकार आती शाम तक और कभी कभी मैं डकार करना चाहता हूँ लेकिन आती नहीं और साथ में फिर उल्टी होती है तो खाना निकल जाता है या पानी आ जाता है. बस ये मेरी प्रॉब्लम. अभी तक आपने कोई इसका ट्रीटमेंट लिया है? कुछ भी नहीं किया मैडम. कुछ भी नहीं. मैं गांव में रहता हूँ तो इधर कोई अस्पताल भी नहीं आसपास. थोड़ा दूर है तो मैंने किया. तो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे पहला नंबर का है कि ये जो डकार आने का है ना 2 हफ्ते के लिए आपके वहाँ जो भी कोई लोकल फार्मेसी है वहाँ पे कोई एसिडिटी की दवा रहती है 2 वीक के लिए वो दवा ट्राई कर लीजिए. और अगर ये सिंपल चीज रहेगी तो 2 वीक में आप एकदम से ठीक हो जाओगे. अगर 2 वीक की दवा ली ठीक हो गए पर वापस से सिम्टम आ गए या 2 वीक की दवा ली और कुछ भी नहीं हुआ तो देन आपको थोड़ा चेकअप कराने की जरूरत है एंड आई मेक श्योर कि अंदर और कुछ गड़बड़ तो नहीं है. जी मैडम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर दीपक सर. थैंक यू मैडम. थैंक यू फ्रेंड्स. आनंद जी आपको अनम्यूट करिए. आनंद मोहन. हाँ जी सर. नमस्कार. नमस्कार सर. मेरे मेरे ब्रदर लॉ है उनकी एज 67 के करीब है और उनको काफी उनको कोविड हो चुका है आज से 6 महीने पहले. पर अभी तो ठीक है पर उनको काफी समय से कई सालों से एमिबियासिस है और अभी आज की तारीख में उनका जो पेट वगैरह है वो काफी मतलब अपसेट रहता है. गैस बहुत पास ऑन होती है और मतलब स्मेल भी आती है. ऑडर भी खराब है उसमें. और दूसरा ये है कि उनको जो स्टूल को रोकने का एक होता है सिस्टम इतना आर्च इतनी जबरदस्त होती है कि कभी कभी बाथरूम तक वो नहीं जा पाते हैं और मतलब कपड़े अपने खराब हो जाते हैं. तो इसके लिए क्या उनको चाहिए? और वो कहते हैं कि शायद उनको एंटी एसिड दवाइयाँ पहले से लेते थे ओसिड वगैरह आजकल शायद 10-40 ले रहे हैं. उनके लिए क्या उसे फैटी लिवर भी बताया था. वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने फैटी लिवर बताया था और उनका एंडोस्कोपी भी हुआ है और उसमें कुछ थोड़ा सा अब इतना डिटेल मुझे नहीं मालूम है पर वो कह रहे थे थोड़ा सा उसमें कुछ था प्रॉब्लम. तो अब क्या करना चाहिए उनके लिए? कुछ दवाइयाँ बताएंगे आप? कुछ सजेस्ट करेंगे? हमारा रोल यहाँ पे आनंद जी रहता है कि दवाइयाँ बताने के पहले ये पता करना पड़ता है कि तकलीफ क्या है. तो अगर जो उनका है तकलीफ के थोड़ा लूज मोशन हो रहा है अगर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको एक्सीडेंट हो रहा है उनके कपड़े सॉइल हो रहे हैं तो सबसे पहला है कि किसी तरह से स्टूल को थोड़ा सख्त बनाएं. सॉफ्ट स्टूल को फॉर्म्ड स्टूल बनाएं. हेल्थी पूप जिसको बोलते हैं हेल्थी स्टूल जिसको बोलते हैं वो बनाने की कोशिश करें. और उसके लिए आपको इसबगोल ट्राई करके देखें या जो फाइबर सप्लीमेंट रहता है वो ट्राई करके देखें. तो फाइबर इसबगोल क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है जो सॉफ्ट स्टूल है that is going to suck up the extra moisture and make the stool little bit harder. जब stool थोड़ा hard रहेगा formed रहेगा तो वो accident होने के chance कम रहेंगे और उसका control होने का ज्यादा chance रहेगा. फिर भी अगर लगता है जैसे वो कहते हैं कि it's not मतलब regular feature नहीं है कभी कभी once in a मतलब month या कभी ऐसा हो गया या कभी कहीं गए हुए हैं तो रास्ते में कुछ अर्ज हुआ तो उस टाइप से नॉट ऑलवेज बट ही इज अ पेशेंट ऑफ एमीबीएसिस फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स मतलब सो मेनी इयर्स एमीबीएसिस उनको था पहले
आनंद जी जो अमीबाइसिस की बीमारी है दैट बीमारी इज मोर काइंड ऑफ लाइक अ वन टाइम डील, ये लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं रहती है. अमीबाइसिस इज अ इन्फेक्शन, इट्स अ पैरासाइट राइट, पैरासिटिक इन्फेक्शन. एंड एक बार पैरासाइट की दवा ली, उसको किल कर दिया, वापस से स्टूल की जांच कराई, पैरासाइट खत्म हो गया, तो उसका कोई असर नहीं रहता है. न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया की दवा ली, न्यूमोनिया ठीक हो गया तो भूल जाते हैं. तो सेम वे दिमाग में से ये निकाल देने का कि अमीबाइसिस है तो आजीवन तकलीफ रहेगी, दैट इज रॉन्ग. अमीबाइसिस इज लीडिंग टू समथिंग एल्स, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट जस्ट अमीबाइसिस पर से विल नॉट गिव एनी सिम्टम्स, शुड नॉट गिव एनी सिम्टम्स. ASAP goal type of things. That is correct. And if not, then जिस डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करी है उसी को वापस एक बार दिखाएं और डिस्कस करें कि भाई ये ASAP goal try किया फिर भी अभी तक 100% satisfactory stool नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें जो anal sphincter, जो valve होता है anal canal जहां से poop आता है, वो स्फिंक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है. और उसके लिए एक अलग टेस्ट रहता है, स्फिंक्टर का प्रेशर मेंटेन करना, उसमें प्रेशर जोन देखना, वो बराबर सिग्नल पिकअप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो टेस्ट रहता है, वो कराने पड़ेगा. पर मेरे ख्याल से इजी वे फर्स्ट थिंग कि जस्ट ASAP goal लेके देखें और उससे स्टूल अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं. वो तो कहते हैं कि सर सॉलिडिफाइड तो होता है, पर लूज बिल्कुल नहीं होता. पर ये है कि वंस इन अ वाइल, एक महीने में, दो डेढ़ महीने में कभी एक बार हो गया, और नॉट ऑलवेज लूज, सॉलिड उनके टॉप में सॉलिड रहता है. पर ये है कि वंस इन अ वाइल, बस उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल नहीं हो पाता जो, तो इसके मतलब क्या है, या तो मसल्स वीक हो गई है रेक्टम की, या किस तरह समथिंग लाइक दैट. तो उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए कुछ बताए, उसके लिए कुछ बताइए. सेम डॉक्टर जो डॉक्टर ने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करते हैं ना, दे डू एनल मैनोमेट्री. एनल मैनोमेट्री इज अ टेस्ट, दे चेक द प्रेशर ऑफ द एनल स्फिंक्टर. ओके ओके, सो ही इज टेकिंग अ पैन 40 फॉर एसिडिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, इज ओके. PAN 40 has nothing to do with the anal control. PAN 40 is more for the upper GI, acidity, reflux, bloating. Okay. Stool ka control aur PAN 40 ka koi rishta nahi. No, koi rishta nahi. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you, Deepak. Thank you. Thank you. Thank you, Nanandji. Hamara sa Ritesh hai aur mere khayal se 9:44 ho chuka hai. We'll take another 10 minutes and we'll try to finish this call. Okay, doctor saab, kuch jamara ek ghanta. रितेश भी हमारे साथ एक्टिव थे, काफी टाइम से जुड़ते गए हैं और काफी एक्टिव रहे हैं. रितेश सर, मैं मेडिकल स्टूडेंट. रितेश मेडिकल स्टूडेंट भी है. मैम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. एक्चुअली मेरा तीन क्वेश्चन था. एक की अभी मैं काफी पेशेंट्स में एक चीज देख रहा हूँ रेगुलरली कि उन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पोस्ट कोविड सिम्टम्स में, और दूसरा की खाने के बाद उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम या वो रिफ्लक्स का एक प्रॉब्लम है जिसको गर्ड बोलते हैं, ये चीज है. और एक पेशेंट है जिनको गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उन्होंने बताया कि कंटिन्यूस वो 7 days से खाने के पहले वो पेंटोप्राजोल ले रहे हैं, रानिटेडिन भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनकी बॉडी पे. रितेश जी आप शुरू से सुन रहे हैं या अभी ज्वाइन किया है? नहीं, मैं शुरू से सुन रहा हूँ. शुरू से. गुड गुड गुड. सो जो मैंने डिस्कस किया ना कि कोविड में दो चीजें हैं राइट. एक तो है कि आपको कोविड से ऑक्सीजन कम हुआ एंड ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपका जो आप मेडिकल स्टूडेंट है तो यू विल अंडरस्टैंड वी कॉल मेसेंट्रिक इस्कीमिया. मेसेंट्रिक इस्कीमिया मींस लाइक द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द जीआई गट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. वेदर इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड टुडे बिकॉज योर ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 92
or it has been compromised because in the beginning it was less than 90 or in 80s. That had created mesenteric ischemia, ischemic colitis, and that ischemic colitis is still in the healing process, which will take about 8 weeks, right? So you need to keep that in mind. Number two, because it's a deadly disease, and because of that deadly virus, the fear factor is there. And because of that fear, you have anxiety, increased acid production, and increased GERD, gastroesophageal reflux disease, right? Which is controlled by PAN40. But in addition to that, depending on the patient's age group, you cannot just blame it on a COVID. You want to make sure that along with that, you are not precipitating peptic ulcer disease. You are not precipitating a celiac screw. You are not precipitating any gastritis. You are not dealing here with any other problems. Sometimes, you know, like in India, we don't go for a regular checkup. We don't go for a routine screening. We don't go for even major symptoms, but we believe in more homeopathy, home remedies, and we kind of become self-doctor, and especially with the Dr. Google's help, everybody is a doctor, right? So you need to kind of separate these two, and if the symptoms are persistent after, let's say, 6 to 8 week post-COVID, I definitely would be a little more aggressive in figuring it out and not blame to COVID. I'm also addressing such problems. One patient just simply called me and said he has symptoms of black fungus. And just he was having some problem related to sinus. But somehow he searched on Google and he thought that is the problem of black fungus. So, and yeah. My another question is that I was also suffering from COVID from month of April first week. And still now I'm facing lot of fatigue. और 8-8 घंटे सोने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेरे में वीकनेस है. That is common, and sometimes it can convert into chronic fatigue syndrome. But since you are a medical student, so you are going to keep your brain-gut connection strong. And you're going to teach yourself that, no, I'm a medical student, I'm a young kid. This is just a simple virus. Now I have a strong immunity. I have a herd immunity. Talk to yourself. And if it is still not improving, then probably part of chronic fatigue syndrome. एक मैम मेरा और क्वेश्चन होगा नॉर्मल. एक काफी लोगों में मैंने सुना है जिसे जिन लोगों का गैस का या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि चाय को लेके, टी को या कॉफी को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसर्न है. कि क्या मॉर्निंग में जो हम लोग टी लेते हैं एम्प्टी स्टोमक में, वो क्या बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में एक कप लेते हैं तो आई डोंट थिंक एम्प्टी स्टमक और फुल स्टमक हैज एनीथिंग टू डू विद वन कप ऑफ टी और वन कप ऑफ कॉफी. आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द कैफीन कंपोनेंट. तो अभी जैसे आप खाली घर पे बनाई हुई छोटा सा कप चाय ले रहे हैं या अमिताभ बच्चन बड़ा ग्लास ले रहे हैं, उसमें डंकिन डोनट वाला कॉफी है या घर वाला कॉफी है. सो हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ अ कैफीन दैट हैज टू डू मोर देन एस सच कि वन ग्लास लिया या वन कप लिया या एम्प्टी स्टमक लिया या फुल स्टमक लिया. एंड एज आई सेड बिफोर कि अगर आप सब लोगों को बोलोगे ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, तो यू विल बी डीलिंग विद डिप्रेशन मोर, राइट? So you do it in moderation. So let's say if you are taking 3 cups of coffee, what I advise is that you can have 3 cup. You fill the cup full, but every time you're going to drink, you drink only half and you pour half in the garbage can. So psychologically, aapko lag raha hai ki you are still taking 3 cups, but in reality, you're taking only 1.5 cup. So kind of go in a moderation and kind of fix it in that perspective. Ritesh, it was nice seeing you. I think we should, we have few people just want to say hello. I think we have to call, end of the call in the next 5 minutes. So we will, because coffee. So we have few people, Sahil, we have Kumar, we just want to say Priyanka. I want to give them the chance to say a few words, Ritesh.
So just a quick bye, just so we can close the session. Jai Hind. मैं साहिल शर्मा बोल रहा हूँ सर. साहिल अपन थोड़ा फास्ट करेंगे कोई भी तो प्लीज एवरीबॉडी जस्ट टू फास्ट. जी हाँ सर, एक्चुअली मैं जिसे लिंक भेजा था सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे नेटवर्क इशू की वजह से, तो उनका सवाल मैं ले रहा हूँ. उनका उन्हें साल में दो या तीन बार सर मैम उन्हें हो चुका है जॉन्डिस. ओके हाँ, तो इसका रीजन वो जानना चाह रहे थे. अभी हाल फिलहाल में हॉस्पिटलाइज हुए थे वो डिस्चार्ज होकर आए हैं वो. तो हॉस्पिटल में जब डिस्चार्ज हुए तो उनको क्या बताया गया कि क्यों जॉन्डिस हो रहा है? इतना डिटेल्स मैम नहीं जानता हूँ मैं, बट इतना मुझे पता है कि वो ड्रिंक करते थे. ओके सो यू गॉट द आंसर. अच्छा स्टॉप दैट. अच्छा ओके थैंक यू. नहीं तो लिवर ट्रांसप्लांट वाली लाइन में जाना पड़ेगा. ओके मैम ठीक है. थैंक यू साहिल, थैंक यू. आई थिंक यू हैव बीन वंडरफुल. और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं तो हम लोग लास्ट डॉक्टर साहब का कमेंट लेंगे एंड देन वी एंड बिकॉज़ आवर टाइम शॉर्ट है एंड वी ऑलमोस्ट 2 आवर्स हियर एंड डॉक्टर साहब को जाना है. तो फिर आज डॉक्टर साहब विल टेक अ क्लोजिंग कमेंट आपके यहां से एंड देन वी एंड द सेशन फॉर टुडे एंड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी जो भी सोशल लाइफ. Excuse me, sir. Please continue. So, actually, my father wants to ask a question. Sure, please. Okay. Priyanka social activist है, काफी active रहती है और काफी working की है Priyanka ने. She's one of the major role. Priyanka, are you there? Hello. हाँ, hello sir. Good evening. हाँ जी, नमस्ते. हाँ नमस्ते. Sir, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी. हाँ जी आवाज आ रही है. हाँ, आपकी डॉटर बहुत अच्छा काम. सर थैंक यू. सर एक्चुअल मैं थोड़ा सा एक जानकारी चाहता हूँ कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या लाइफ ज्यादा दिन नहीं होती है क्या? नो दैट इज रॉन्ग. इट ऑल डिपेंड्स कि लीवर ट्रांसप्लांट का कैसे ट्रीटमेंट गया और ट्रीटमेंट का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ. उसके बाद में जो सारे इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं वो बराबर आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपके पास दूसरी और अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स कितनी है. सो एनी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ राइट, तो वो सभी चीजें मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं. अगर आपके पास ज्यादा लाइफ नहीं है या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 6 मंथ है तो दे विल नॉट इवन क्वालिफाई यू फॉर लिवर ट्रांसप्लांट. एक्चुअल में हम बच्चा खो चुके हैं. हमारे बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट आरआर दिल्ली में कराया था, वो 9 इयर्स का था. तो 2008 में कराया था. ओके तो उस टाइम तो डॉक्टरों ने नहीं बताया कि बाद में उन्होंने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ ज्यादा नहीं होती है. अच्छा और कोई सिम्टम्स नहीं थे उस बच्चे में, बट चेरी सिंड्रोम था उसका लीवर. तो 2008 में दिसंबर में हमने कराया था मैम और 2016 इसमें जुलाई में खत्म हो जून में खत्म हो गया. फर्स्ट जून को 6 जून को. तो इसमें है ना वेरी अनफॉर्चुनेट, सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज. स्पेशली जब बच्चे को कुछ होता है. आई एम अ मदर ऑफ टू सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू फेल्ट और व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. पर इसमें अपना बैड लक यही रहा कि ये जो बटचियारी सिंड्रोम या फिर जो इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर जो रहती है उन वजह से जो बच्चे में जो प्रॉब्लम रहती है ना, दोज प्रॉब्लम्स आर नॉट जस्ट द लिवर, इट्स अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम एंड अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व राइट. So in terms of that, sometimes it is very, very difficult. अगर मान लो अपन ने उनको 2009 में लिवर नहीं दिया होता तो he probably would not be around even whatever he had. So whatever the extra time we were able to lucky enough to spend with him, I think that's what you got extra. But it is not ki anything liver देने से आपका kind of ticket मिल गया कि आजीवन कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. It also depends कि किस वजह से आपका liver damage था और किस वजह से आपको transplant मिला. वो बट चेरी सिंड्रोम बताया था बाद में. एक्चुअली उसको फीवर आता था 5-6 years हम भी सर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे
वो उसका बुखार आता रहता है हल्का हल्का, उस टाइम चेक कराया तो कुछ नहीं मिला। बाद में 2007 में हमें डिटेक्ट किया कि इसका बट चेरी सिंड्रोम है, तो फिर दिल्ली में चलता रहा इलाज। फिर आठ के लास्ट में दिसंबर में ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा, मदर का लगा था लीवर? उसके बाद मतलब हम भी बहुत शॉक हुए कि 2-3 महीने तो उठ ही नहीं पाए। अच्छा, बच्चा बहुत सेंसिटिव था, वो करीब 12th करते करते नेट क्वालिफाई कर दिया था विदाउट कोचिंग। हेलो, तो अब तो खैर खड़े तो हो जा रहे हैं। लड़की हमारी जो अभी आपसे जुड़ी है तो खड़ी तो कर दिया है मुझे अभी, लेकिन पूर्ण रूप से हम अभी उससे उबर नहीं पाए। मैंने एक बात शुरुआत में बोली थी कि हम सभी लोग आते हैं रिटर्न टिकट लेके, तो हाँ, आपको ये सोचना है कि उसका रिटर्न टिकट का टाइम हो गया था। आप कुछ नहीं कर सकते, बिटिया कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना जो लाइफ है ना, वो लाइफ अपने आप को ब्लेम नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना। जो हमारे कार्मिक अकाउंट है वो सारे अकाउंट हमको पूरे करने होते हैं, एंड डॉक्टर इज जस्ट अ कठपुतली from somebody, right? They cannot give to what somebody else had decided for you. Okay. Time is the best medicine for this thing. वक्त निकलता जाता है और वक्त के साथ में चीजें संभलती जाती है। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, वैसे ये भी वक्त निकल जाएगा और आगे बढ़ना ही हमारा एक जिंदगी का उसूल होना चाहिए और हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो इस है ना, तो इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। शायद अब लड़की ना होती तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। नहीं नहीं, आपकी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप टेंशन मत करिए। आपकी लड़की आपका लड़का है यही मान के चलिए दोनों, तो देयर इज नो पॉइंट। आप बहुत अच्छा, मैंने हमने भी बात की है कई बार, शी इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी टैलेंटेड। तो यू आर वेरी लकी कि आपके पास यू नो प्रियंका जैसी बेटी है। तो प्लीज कंटिन्यू, और आप तो बिल्कुल उसी को उसी पे भरोसा करके, एंड दे विल डोंट वरी, वो शी विल डू समथिंग गुड फॉर यू फॉर एवरीबॉडी। ठीक सर, ओके, थैंक यू। हां डॉक्टर साहब, वी विल टेक आपका क्लोजिंग कमेंट एंड देन वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे, बिकॉज़ आई नो यू हैव टू गो एंड आई वुड लाइक। थैंक यू वेरी मच दीपक भैया फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई होप कि जो भी हमने डिस्कस किया उससे लोगों को फायदा होगा। और एज दीपक भैया सेड इन द बिगनिंग, दिस इज जस्ट अ काइंड एडवाइस, डू नॉट टेक दिस एज ऑफिशियल एडवाइस। यू नीड टू सी योर लोकल डॉक्टर, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक द लायबिलिटी। वी आर डूइंग जस्ट अ मैनकाइंड जॉब एंड ट्राइंग टू हेल्प एवरीबॉडी। सो प्लीज टेक दैट इनटू बिग कंसिडरेशन। वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू हेल्प, बट एट द सेम टाइम you need to just take your own responsibility. If you are not going to be willing to help yourself, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने आपको मदद करने की जरूरत है। And I'm available on the email. I sent you my email. So any questions, feel free to send me any message. So with this, we'd like to thank Dr. Sudha Nahar. She has been very helpful. आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, काफी चीजें हमारे को जानने को मिली, मेरे ख्याल से हम सबको जानने को मिली। और यही चीजें एक नॉर्मल रेगुलर लाइफ में भी कंटिन्यू होती है, अगर उसको फॉलो करें तो कई चीजों को हम लोग अपने कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि हर बार और जैसा है हर टेस्ट वगैरह सब चीजें जरूरी होती है, पर एट द सेम टाइम यू नीड टू फॉलो योर सेल्फ। और इंडिया में कोविड खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अच्छी बात है, हम सब बहुत खुश हैं और सबको थैंक यू बोलते हैं। अशोक जी थैंक यू वेरी मच, आई थिंक यू हैड अ वंडरफुल सेशन। और डॉक्टर सुधा नाहर, व्हाट अ वंडरफुल एडवाइस आपने दी सबको, इट इज अमेजिंग। कुमार आई सी यू, बट आज टाइम शॉर्ट है तो हम आज एक सब वी कैन ओपन एंड जस्ट थैंक डॉक्टर साहब को, थैंक यू बोल के, अशोक जी थैंक यू बोल के वी विल टेक द कॉल फॉर टुडे। हितेश थैंक यू, साहिल आई सी एवरीबॉडी, प्रियंका, रमेश, अमित, आनंद, मोहन, विनय अलाहाबाद। हाँ जी, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू मैम, न्यूयॉर्क, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।
थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट थैंक यू थैंक यू.